हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैग्नेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों आप लोगों को पता है जनरल साइंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो साइंस है ना केवल क्वेश्चंस के माध्यम से नहीं कर सकते आप लोगों के लिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों आप लोगों के लिए फ्री थ्योरी मैं लेकर आया हूं बहुत सारे चैप्टर है साइंस में कोई बात नहीं एक एक चैप्टर करके हम लोग करेंगे आज बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर वन डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र और जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो यहां पर एक चीज लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है वन शॉट वीडियो यानी एक लंबी क्लास होगी लेकिन एक ही शॉट में एक ही क्लास में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे ठीक है दोस्तों लेकिन ये जो क्लास होगी वो हर सैटरडे होगी वीकेंड पे होगी फिर सर मैं क्या करूं मैं सिलेक्शन लेने के लिए क्या करूं अगर ये क्या पांच दिन फ्री क्या नहीं दोस्तों आप लोगों के लिए मंडे से मंडे टू फ्राइडे डेली सुबह दस बजे आप लोग जुड़िए इस सीरीज से लेट्स क्रैक साइंस इस प्रकार से सारे आप क्वेश्चन आपका सब कुछ कवर हो जाएगा अगर आप सीरियस हो अपनी एग्जाम के लिए तब मैं जाके सीरियस होऊंगा ठीक है तो मैं तो मैं ऑलरेडी सीरियस हूं तो डेली सुबह दस बजे जुड़ना मत भूलिए बिल्कुल फ्री क्लास होती है यूट्यूब पे चलिए दोस्तों आते हैं हमारे वापिस जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान देखो साइंस में आपके मेजर तीन सेगमेंट है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात करें रेलवे में तो फिजिक्स और बायोलॉजी से आते हैं थोड़े बहुत मतलब ऐसा रात दिन का अंतर नहीं होता जैसे आप सोचो यार 20 क्वेश्चन में से चार ही आते होंगे केमिस्ट्री के बाकी आठ फिजिक्स और आठ बायोलॉजी से आते होंगे नहीं थोड़ा बहुत आप लोग मान सकते हो चलिए ठीक है थीके? लेकिन हमको पढ़ना सब कुछ है सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान सर बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बायोलॉजी का मतलब ही है स्टडी ऑफ लिविंग जीवों का अध्ययन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना जितने भी जीव है ना उन सभी का अध्ययन करना है क्या क्या आप लिविंग हो क्या? सर मुझ में लाइफ है तो आपकी भी स्टडी होगी इसमें प्लांट क्या लिविंग होते हैं क्या बिल्कुल सर प्लांट की भी स्टडी होगी सब जितने भी लिविंग है ना सभी की स्टडी कहलाती है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पहले सिलेबस हम लोग समझ लें कि कौन कौन से चैप्टर है हम लोगों को पढ़ना है तभी तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ पाचन तंत्र स्टार्ट कर रहा हूँ चलिए आ जाओ पहले सिलेबस को हम लोग समझते हैं दोस्तों सबसे पहले नंबर पे है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र देखो बायोलॉजी जब आप लोग पढ़ते हो ना कभी आप लोग कौन से चैप्टर से स्टार्ट करते हो कभी कौन से चैप्टर से स्टार्ट करते हो तो आपको कई बार डाउट आ जाता है जैसे कई बार है ना सेल कोशिका वाले से कोई पढ़ता है तो वो वहीं पर उसका दिमाग घूम जाता है जब बोला जाता है सेल सबसे छोटी है और अंदर पढ़ाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम तो आप कंफ्यूज हो जाते हो यार पता नहीं क्या चल रहा है ना तो मैं आप लोगों को वो एक सीक्वेंस बता रहा हूं जिसमें अगर हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में आपका सब कुछ कंप्लीट तो होगा ही और बहुत आसानी से होगा ठीक है तो ये वाला सीक्वेंस हम लोगों को फॉलो करना है समझ में आ गया पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र उसके बाद में दोस्तों स्केलेटल सिस्टम यानि कंकाल तंत्र उसके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम यानि अंतरश्रावी तंत्र उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र उसके बाद में हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम अब देखो ये छोट देखने में आपको छोटा सा लग रहा है ब्लड और ब्लड बहुत बड़ा है ब्लड के अंदर आप लोग पढ़ोगे ब्लड ग्रुप के बारे में है ना पूरी ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में हर्ट के बारे में ठीक है आ जाओ चलिए फिर हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव बच्चे कैसे पैदा करता है आपको लगता होगा केवल ह्यूमन ही रिप्रोडक्शन करते हैं नहीं इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी प्रजनन करते हैं उसके बाद में पढ़ेंगे कोशिका उसके बाद में पढ़ेंगे उत्तक उसके बाद में पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण दोस्तों तो बहुत अलग अलग प्रकार के जीव है आप लोगों को पता है क्या अरे आवाज वगैरह आ रही है रही बताओ आ रही, नहीं रही? है रही ठीक है चलिए उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों न्यूट्रिशन यानी पोषण इसमें सब कुछ आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल सब आ जाएगा फिर पढ़ेंगे जेनेटिक्स कई कह, कई बार आपने सुना होगा ना कि यार भाई तेरी आंख तो बिल्कुल मम्मी के जैसे लगती है तेरे बाल तो बिल्कुल पिताजी जैसे लगते हैं तो जब ये चैप्टर पढ़ोगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है दोस्तों फिर पढ़ेंगे बॉटनी प्लांट के बारे में और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज होती है रोग उसके बारे में जब आप लोग ये कर लोगे तब जाके बायोलॉजी खत्म होगी समझ में आ गई क्या सर लेट्स क्रैक साइंस कब से होगा पवन जी मंडे से डेली सुबह दस बजे जुड़ना जुड़ जाना क्लास से चलो स्टार्ट करें हमारा पहला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बिल्कुल देखिए दोस्तों जैसे जब अभी आपने सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र जैसे आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम यानी आप लोगों का तंत्रिका तंत्र दोस्तों हमारी बॉडी में क्या होता है अलग अलग सिस्टम होता है और हर सिस्टम का एक काम होता है तो सर क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कोई काम है क्या बिल्कुल दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है हमारी बॉडी में जो फूड हम लोग ले रहे हैं जो भोजन हम लोग खा रहे हैं उसका डाइजेशन करना अब ये डाइजेशन क्या होता है सब कुछ हम लोग समझेंगे आ जाओ देखो तो जैसे मैं बता रहा हूं हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और हर सिस्टम का कोई काम है सर इसका क्या काम है इसका काम है भोजन का डाइजेशन करवाना ठीक है दोस्तों आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वच्छ तंत्र सर इसका काम क्या है रेस्पिरेशन करवाना दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम सर सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करवाना जैसे ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना तो उस ब्लड की सर्कुलेशन के लिए जो कौन सा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम सर कंकाल तंत्र क्या करता है दोस्तों आपकी पूरी बॉडी इतनी बड़ी बॉडी है तो उसको एक आप लोगों का पूरा सहारा तो चाहिए होता है ना एक ढांचा तो चाहिए होता है ना एक स्ट्रक्चर तो चाहिए होता है ना तो स्केलेटल सिस्टम भी वो काम करता है कि आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करने का काम कौन करता है ये करता है चलो सर हमको आज इससे 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 कोई 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 मतलब 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 नहीं मतलब नहीं है है नहीं है हमें आज जो मतलब है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम से तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बेसिकली इसका काम क्या है भोजन का डाइजेशन कराना तो सर पहले यही समझते हैं डाइजेशन होता क्या है कौन बताएगा डाइजेशन क्या है आ जाओ देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए दोस्तों हम लोग दिन भर बहुत सारे काम करते हैं सर मैं तो करता ही नहीं हूं मैं तो ऑफिस ही नहीं जाता सर मैं तो चुपचाप बैठता हूं घर पे अरे दोस्तों घर पे जब चुपचाप बैठोगे तब भी आपका हर्ट जो होगा क्या वो धक धक करेगा क्या बिल्कुल सर करेगा क्या आपकी पूरी बॉडी में ब्लड घूमता रहता है क्या बिल्कुल तो इस काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है क्या बिल्कुल तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ सर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है एनर्जी मिलती कहां से है Premises, से मिलती है लेकिन दोस्तों एक दिक्कत है क्या दिक्कत है दोस्तों हमारी जो बॉडी है किससे मिलके बनी हुई है सर बहुत छोटी छोटी सेल यानी कोशिका से मिलके बनी हुई है तो मैं बोल सकता हूं क्या कि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है इट मींस हमारी बॉडी की कोशिका को एनर्जी की जरूरत है बताओ अब आप लोग एनर्जी के लिए क्या करते हो भोजन करते हो आपने क्या खाया एक रोटी खाई दोस्तों रोटी बड़ी होती है छोटी सर रोटी बहुत बड़ी होती है दोस्तों क्या इस एक रोटी से इस एक कोशिका को एनर्जी मिल जाएगी क्या नहीं सर रोटी तो बहुत बड़ी है कोशिका तो इतनी छोटी है हम लोग आंखों से देख भी नहीं सकते तो बेसिकली जो आप लोग भोजन करते हो ना वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है काफी जटिल होता है इसको आपको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा जिससे कोशिका उसको एब्जॉर्ब कर पाए जिससे कोशिका को एनर्जी मिले तो भोजन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एक जटिल रूप को सिंपल फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है डाइजेशन कहलाता है क्या मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो सही है क्या बिल्कुल डाइजेशन क्या है कि सर जो भी हम लोग फूड लेते हैं ना वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है काफी जटिल होता है वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना जिससे वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए इसे आप लोग बोलोगे डाइजेशन क्लियर है और दोस्तों डाइजेशन का काम आपकी बॉडी में जो सिस्टम कर रहा है उसे आप लोग बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए क्या हमारे देश में भी अलग अलग सिस्टम है क्या पूरा एक बैंकिंग का सिस्टम है मतलब पूरा फाइनेंस का एक सिस्टम है पूरा एजुकेशन का सिस्टम है तो क्या हमारे देश में पूरा जो एजुकेशन का सिस्टम है क्या कोई एक व्यक्ति संभाल रहा है क्या आप लोग बोलोगे कि सर एजुकेशन मिनिस्टर नहीं दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर के नीचे बहुत सारे अफसर होते हैं ऑफिसर्स होते हैं फिर आप लोगों को पता है टीचर्स होते हैं स्टूडेंट होते हैं ये सब मिल एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं तो सिमिलरली अगर आप लोग सोच रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम केवल एक ऑर्गन है नहीं कोई भी एक ऑर्गन आपके भोजन का डाइजेशन नहीं करा सकता बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो मिलके डाइजेशन का काम करते हैं तो उन ऑर्गन्स के ग्रुप को आप लोग बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र तो अगर मैं आपसे बोलूं डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या है आप लोग बोलोगे सर अंगों का वह समूह जो हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है उसे आप लोग बोलोगे पाचन तंत्र ग्रुप ऑफ ऑर्गन डेट हेल्प इन डाइजेशन इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है क्या

दूसरा स्टेप क्या है अब आपकी बॉडी में जाके उसका क्या होगा डाइजेशन होगा यानी पाचन होगा दोस्तों, डाइजेशन से आपको क्या मिला सिंपल फॉर्म मिला ना भोजन का बिल्कुल तो उस अरे एक चीज मुझे बताओ एक डायग्राम बना लेते हैं यहां पर ठीक है छोटा सा मुन्ना सा छोटा सा बनाऊं या मोटा सा बनाऊं सर छोटा सा बनाऊ सर आ जाओ देखो ये रहा आप लोगों का माउथ क्लियर है क्या माउथ में आप लोग फूड रखोगे भोजन रखोगे भोजन आपका नीचे जाएगा एक पाइप के माध्यम से कहां पर जाएगा आपके पेट में जाएगा दोस्तों पेट से जो भोजन होगा वो आपके कहां पर जाएगा छोटी आंत में जाएगा फिर छोटी आंत से कहां पर जाएगा सर इसमें जाएगा बड़ी आंत में जाएगा तो एक्चुअली क्या होता है जो भोजन आप लोग लेते हो ना तो जैसे जैसे नीचे आता रहता है ना उसका थोड़ा थोड़ा डाइजेशन होता रहता है होता रहता है होता रहता है होता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन इस जगह छोटी आत्म उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है यानी आपको भोजन का बिल्कुल सिंपल फॉर्म मिल गया यहां से दोस्तों जो सिंपल फॉर्म है ना आपके ब्लड में चला जाता है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है क्लियर है क्या तो अगला स्टेप क्या है आप लोगों का एब्जॉर्बन यानी अवशोषण अब दोस्तों आपके बॉडी में आपके ब्लड में जो एब्जॉर्ब हुआ चाहे वो विटामिन हो या कुछ भी हो समझ हो अब वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में घूमेगा तो क्या वो भोजन सब जगह जाएगा क्या तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण जो पोषक तत्व आपको मिले भोजन से उसका पूरी बॉडी में बॉडी के हर पार्ट में पहुंचना क्या कहलाएगा एसिमिलेशन दोस्तों कई बार ऐसा तो है नहीं जो भी आप लोगों ने भोजन खाया उससे सारी काम की चीज मिल गई कुछ वेस्ट भी बचती है तो जो वेस्ट आप लोगों का बचता है ना दोस्तों वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है मल के रूप में तो इसे आप लोग बोलते हैं इजेशन यानी मल त्याग क्लियर है क्या मरीन एम एच जीरो वन बोल रहे हैं सर ट्रेड वाली क्लास भी लाओ ना मरीन जी जब मैं कल दो दिन पहले कुछ और पढ़ा रहा था सर थ्योरी वाली क्लास लाओ आज थ्योरी पढ़ा रहा हूं देखो जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था सारे बच्चों ने क्वेश्चन समझ लिए थे तुम क्वेश्चन भी समझ नहीं पाए थे तुम्हें चाहिए था सर सर वो ला दो वो थोड़ी ला दो तो आज थोड़ी ला दिए बच्चे थोड़ी भी समझ लेंगे आप अब कर रहे हो ट्रेड ला दो ट्रेड तो भैया ऐसे सिलेक्शन होना ही नहीं है आपको जो पढ़ा रहा हूं इधर ध्यान दो सब लेकर आएंगे टेंशन मतलब आप लोग ठीक है क्लियर तो इंजेक्शन क्या है सर भोजन को हमारे माउथ में रखना ये इंजेक्शन है डाइजेशन क्या है भोजन का सर सिंपल फॉर्म में टूटना सिंपल सरल अणु में टूटना कहलाएगा डाइजेशन एब्जॉर्न क्या है जो भी आपको डाइजेशन के बाद में जो भोजन मिला उसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ अवशोषित हुआ उसको वो ब्लड देखो वो कहां चला जाता है ब्लड में चला जाता है ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो वो जो भोजन मिला आपके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाएगा क्योंकि कोशिका तो हर जगह है तो हर कोशिका को एनर्जी चाहिए पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो उसको भोजन को सब जगह पहुंचाना पड़ेगा ना ठीक है और जो वेस्ट बचा वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे मल क्लियर है यहां तक क्लियर है बहुत बढ़िया आ जाओ देखिए दोस्तों इसी पे क्वेश्चन अभी आप लोगों का पूछ लिया गया कि दोस्तों करेक्ट सीक्वेंस क्या है सही चरण क्या है सही स्टेप क्या है बताओ सबसे पहले क्या होगा पहले ही एक्सक्रेशन हो जाएगा क्या नहीं बोल दो इजेशन बोल दो बात एक ही है सबसे पहले आप लोग भोजन को लोगे ना तो सबसे पहले सर इंजेशन होगा और फिर सर जो भोजन हमने लिया फिर उसका डाइजेशन होगा डाइजेशन के बाद में जो हमको मिला जैसे मान लो आपने भोजन किया उसमें विटामिन तो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए अब उस विटामिन को सब जगह पहुंचाना है ना तो इस प्रोसेस को हो गया और फिर के बाद में कोशन दिया नहीं है, कोई बात नहीं और जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा ठीक है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आ गई बात समझ में आ गई क्या चलिए सर एक काम करो मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम की फोटो तो दिखा दो दोस्तों ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें क्या क्या आ रहा है आपका माउथ देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कोई भी सिस्टम एक ऑर्गन का नहीं बना होता बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं अब आप मुझे बताइए भोजन के डाइजेशन में किसका महत्वपूर्ण रोल है आपको लगेगा कि सर मैं भोजन को माउथ में रख रहा हूं तो केवल क्या माउथ ही डाइजेशन में इंपॉर्टेंट है क्या नहीं माउथ से नीचे आएगा पेट कुछ डाइजेशन करेगा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो बहुत सारे ऑर्गन है जो मिलकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं कि सर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है आ जाओ चलो तो बात करते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ है लेकिन इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं क्या आ जाओ देखो एक तो हम लोग क्या होता है आप लोग भोजन सबसे पहले कहां पर रखोगे सर माउथ में रखूंगा माउथ से भोजन कहां पर जाएगा सर इस पाइप में जाएगा इस पाइप का नाम है फूड पाइप और इसको आप लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं इस पाइप से कहां पर जाता है सर इस ये स्टमक पेट में जाता है पेट से कहां पर जाता है सर छोटी में जाता है छोटी हाथ से कहां पर जाता है बड़ी में जाता है तो दोस्तों भोजन जहां जहां से होके गुजर रहा है उसे आप लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है एक तो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल आहार नाल आप लोग किसको बोलोगे सर भोजन जहां जहां से पास होता है सबसे पहले कहां पर रखोगे माउथ में माउथ के बाद में ये फूड पाइप फूड पाइप से आपके स्टमक पेट में जाएगा पेट से छोटी आंत में जाएगा छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा क्लियर है क्या तो अगर मैं आपको बोलूं उस पर ध्यान मत दो मैं आपको बोलूं एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएगा सर पहले तो माउथ आएगा मुंह आएगा दोस्तों माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं मुख गुआ भी बोलते हैं ठीक है इसके बाद में क्या आएगा सर ये पाइप इस पाइप को आप लोग क्या बोलते हैं ईसोफेगस सर इसको कुछ और नाम भी है क्या बिल्कुल इसको आप लोग फूड पाइप भी बोल सकते हो शॉर्ट में मैंने लिख दिया एफ और हिंदी में इसको ग्रास नली भी बोल सकते हो क्लियर है क्या इसके बाद में जो फूड जाता है आपके पेट में जाता है तो स्टमक इस इसका नेक्स्ट इस पार्ट तो हो गया इसके बाद में फूड जाएगा आपकी इस वाली लार्ज इंटेस्टाइन में तो लार्ज इंटेस्टाइन इसका नेक्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों यहां तक समझ में आ रही है क्या आ रही है क्या आ गई बात समझ में तो ठीक है तो सर क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में बोल सकता हूं क्या इससे 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 मिलके बना हुआ है नहीं दोस्तों अभी कुछ और चीज भी है ठीक है दोस्तों कुछ ग्लैंड भी होती है जो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करती है सर ये ग्लैंड किसको बोलते हैं सर ये ग्रंथी किसको बोलते हैं दोस्तों ग्लैंड बॉडी के ऐसे पार्ट होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ पदार्थ निकलता है ऐसे बॉडी के पार्ट्स को आप लोग बोलते हो ग्लैंड यानी ग्रंथि जैसे दोस्तों लीवर से निकलता है बाइल जूस रस तो क्या इसको मैं लीवर को ग्लैंड बोल दू क्या बिल्कुल जैसे हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड उससे कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं तो उसको ग्लैंड बोल दो क्या बिल्कुल लेकिन ऐसा तो है नहीं ना हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड है उससे निकलने वाले पदार्थ भोजन का डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं नहीं दोस्तों कुछ ही ग्लैंड है जिससे निकलने वाले पदार्थ भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो बेसिकली हमको उसी के बारे में पढ़ना है तो एक चीज मैं आपको बताऊं जैसे भोजन आपका यहां से जा रहा है यहां से जा रहा है छोटी आत में फिर बड़ी आत में दोस्तों ये रहा आपका लीवर क्या लीवर में भोजन जा रहा है क्या नहीं लेकिन दोस्तों लीवर से क्या निकलता है एक जूस निकलता है एक रस निकलता है जिसे आप लोग बोलते हैं बाइल जूस यानी पेतरस जो कि एक पाइप के माध्यम से कहां पर आ जाता है छोटी आंत में आ जाता है तो जब भोजन आपका छोटी आंत पे आता है ना तो जब इस छोटी आंत पे आके बाइल जूस गिरता है ना पेतरस गिरता है तो वो उसका डाइजेशन कराता है तो कुल मिला के मैं लीवर को भी डाइजेशन में मानू ना इंपॉर्टेंट मानू क्या बताओ मानू क्या बिल्कुल दोस्तों आपका पेट के जस्ट नीचे और थोड़ा पीछे जो एक पाइप के माध्यम से छोटी हाथ में आ जाता है और जब इस छोटी आत में फूड आता है जब उसके ऊपर ये रस गिरता है तो उसका डाइजेशन होता है तो आप लोग बोल सकते हो क्या सर पैनक्रियास भी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है बिल्कुल कर रहा है तो ऐसे आपके ऑर्गन या बॉडी के ऐसे पार्ट जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है उसे आप लोग क्या बोलते हो ग्लैंड बोलते हो तो बेसिकली कुछ ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है उनको भी आपको काउंट करना उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे मैं आपको बताऊं हमारा जो माउथ होता है ना माउथ माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड पाई जाती है जिससे सलाइवा बनता है लार बनता है और ये लार आपके भोजन के पाचन में मदद करता है तो कुल मिलाकर इन वाली ग्लैंड को भी काउंट करना पड़ेगा ना कहां पर काउंट करना पड़ेगा सर डाइजेस्टिव सिस्टम में काउंट करना पड़ेगा सिमिलरली दोस्तों आपका जो पेट होता है ना पेट के अंदर भी कुछ ग्लैंड पाई जाती है जो कि भोजन के डाइजेशन में हेल्प करती है तो इनको भी काउंट करना पड़ेगा ना तो कुछ ग्लैंड है जो भी आपके वो भी आपके भोजन में डाइजेशन में हेल्प करती है तो एक तो हो गई सेलेवरी ग्लैंड एक आप लोगों का हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके पेट में पाई जाती है फिर हो गया आपका लीवर और फिर हो गया आप लोगों का पैनक्रियास तो बेसिकली ये सब मिलके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बना रहे हैं बात क्लियर है क्या सर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बुक कौन सा है दोस्तों मुझे इसकी जानकारी नहीं है हेमचंद जी बस मुझे ये जानकारी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का कोर्स ऐप पे अवेलेबल है डेमो है आपको समझ में आता है तो आप लोग ज्वाइन करिए बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहे हैं फिटर ट्रेड के भी है डीजल मैकेनिक के भी है इलेक्ट्रिशियन के भी है आप देखिए ऐप पे मैंने आपके फ्री डेमो दे रखे हैं समझ में आएगा हंड्रेड परसेंट एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा दोस्तों आ गई बात समझ में आ गई क्या आ गई दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं अगर आप लोग सीरियस हो अपनी एग्जाम के लिए चाहे ए हो टेक्नीशियन हो एन हो ग्रुप डी हो दोस्तों आप क्या मेहनत करने को तैयार क्या बस एक बार ये बोल दो यस बोल दो मैं आप लोगों के लिए पूरी जान पिछले पाँच साल से लगा रहा हूँ इस बार भी लगाऊंगा जबकि मेरे लिए कितना मुश्किल है क्योंकि मैं तो जब भर्तियां नहीं थी मैं तो तब भी रेगुलरली पढ़ा रहा था आप मेरा चैनल उठा के देख लो आप मेरा क्या आपका मतलब साइंस मैगनेट उठा के देख लो एक दिन भी मैंने क्लास मिस नहीं कर हाँ एक दो दिन हो जाती होंगी लेकिन मैंने कभी पूरे थ्रू आउट दी मतलब पिछले दो साल तीन साल कुछ भी भर्ती नहीं थी लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा था तो मेरे लिए कितनी चीज है यार कि अब नया बच्चा जुड़ा है फिर से वापस पढ़ाना लेकिन मैं तैयार हूं आपको तैयार रहना पड़ेगा डेली सुबह दस बजे मंडे टू फ्राइडे सैटरडे को ऐसे धमाकेदार सेशन लेकर आऊंगा बताऊं तो सर पाचन तंत्र जो होता है वो आप लोगों का कैसे आप लोगों को एक क्लास में कर सकते हो है ना आ जाओ चले आगे आ जाओ चलिए दोस्तों यही क्वेश्चन अभी आप लोगों के एनटीपीसी टीपीसी की शिफ्ट वन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा आहार नली का हिस्सा नहीं है आहार नली आप लोग किसको बोलते हो जहां जहां से भोजन होके गुजरता है सबसे पहले आपका माउथ माउथ से फिर आपका ईसोफेगस जिसे आप लोग फूड पाइप भी बोलते हैं फूड पाइप से फिर स्टमक पेट पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तो ये सारे आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है दोस्तों ट्रेकिया का कोई मतलब ट्रेकिया से क्या भोजन होकर गुजरता है क्या नहीं तो ये आप लोगों का पार्ट नहीं है आ रही है बात समझ में चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग समझते हैं अब एक एक के बारे में समझते हैं देखो दोस्तों सबसे पहले आपने भोजन कहां पर रखा कमेंट करके बताओ भोजन कहां पर रखा अरे कहां पर रखा सबसे पहले माउथ में रखा तो माउथ के बारे में पढ़े सबसे पहले सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़े बिल्कुल सर सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ते हैं हेडिंग डाल लो माउथ बोल दो बकल कैविटी बोल दो मुख बोल दो कुछ भी बोल दो दोस्तों आपके माउथ के अंदर क्या आती है तीन चीजें आती है बताओ कमेंट करके बताओ जो भोजन का डाइजेशन में हेल्प करेगी एक तो आपके टीथ दांत या दांत इंपॉर्टेंट है क्या अरे हाँ बिल्कुल सर जो टीथ होते ना वो भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे ना यानी ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे पहला इंपॉर्टेंट चीज टीथ दोस्तों दूसरा है आप लोगों का टंग यानी जीप सर जीप कैसे डाइजेशन में हेल्प करेगी मैंने अभी आपको बताया हमारे माउथ में सलाइवा बनता है लार बनता है जो भोजन का पाचन में हेल्प करता है तो आपके भोजन में सलाइवा मिक्स कराने के काम कौन करेगी आपकी टंग करेगी दोस्तों आपको टेस्ट भी इसी से आता है तो इंपॉर्टेंट पार्ट है तीसरा मैंने आपको बताया हमारे माउथ में कुछ ग्लैंड होती है जिनसे सलाइवा बनता है लार बनता है जो भजन के पाचन में मदद करता है तो बेसिकली सेलेवरी ग्लैंड भी होती है आपके माउथ में तो पहले हम लोग माउथ में ये तीनों चीजें पढ़ लेते हैं बात समझ में आ गई क्या आ गई क्या आ जाओ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे टीथ की यानी हमारे दांत की दोस्तों आप कोई सा भी दांत अपना देखो जब आप लोग दांत को देखते हो ना तो आपको कुछ पार्टी नजर आता है जैसे मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं जैसे मान लो ये है आपके मसूड़े नीचे निचला जबड़ा है ये ठीक है दोस्तों आप जो दांत देखते हो ना मैं दांत आपके काले कलर के बना रहा हूं लेकिन आपको पता है काले कलर के नहीं होते आपका दांत जो है वो काला नहीं है जस्ट मैं बना रहा हूं आपको ऐसे दोस्तों आप जो देख पाते हो केवल ये वाला पार्ट ही देख पाते हो जो दांत का जो पार्ट मसूड़े के अंदर है वो तो देख ही नहीं पाते आप लोग तो दांत का जो पार्ट आपका मसूड़ों के अंदर होता है और एक बाहर होता है दोस्तों बाहर वाले पार्ट पार्ट को आप लोग बोलते हो क्राउन यानी शिखर और वो वाला पार्ट जो आप लोगों का गम्स के अंदर होता है मसूडों के अंदर होता है तीत के उस पार्ट को आप लोग बोलते हैं रूट क्लियर है क्या ठीक है अब दोस्तों आपका जैसे मान लो कोई दांत है इन? जैसे मान लो ये आपका एक दांत है समझना प्लीज मजाक मत करो पढ़ो दोस्तों ये लो एक है एक दांत ऐसे नीचे टोटल काटोगे काटो 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 तो आपको ऐसी फोटो नजर आएगी दांत आपका ऐसा दिखता है क्लियर है क्या देखो अंदर छोटी छोटी आपके ब्लड रक्त की नली का भी है जो कि रक्त लेकर आ रही है आपके दांतों में क्योंकि दोस्तों इस रक्त में बहुत सारा भोजन होता है कैल्शियम होता है फॉस्फरस होता है तो आपके ब्लड के पास में लेकर आती है हे ब्लड हे टीथ मेरे में से कैल्शियम निकाल लो ठीक है ठीक है तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे जब आपने ऐसे काटा जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना सबसे ऊपर वाली लेयर जो व्हाइट कलर की व्हाइट कलर की होती है बेसिकली आप जो बोलते हो ना मेरा दांत व्हाइट कलर का है तो वो आपको सबसे ऊपर वाली लेयर है आपकी जो आपको दिख रही है जिसका नाम है इनेमल एक एक के बारे में बात करेंगे और वही बात करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछ पूछता है ठीक है दोस्तों ये इनेमल की बात करें ना ये काफी हार्ड होता है काफी कठोर होता है अगर आप लोगों से पूछा जाए हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है क्या है स्किन है क्या त्वचा है क्या अरे स्किन तो सर बहुत सॉफ्ट है तो इनेमल हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है चलो समझते हैं आ जाओ तो हम लोग बेसिकली टीथ की स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए स्टडी ऑफ टीथ को आप लोग क्या बोलोगे आप लोग बोलोगे डोंटोलॉजी ठीक है इसको दोस्तों ओ नहीं पढ़ते स्पेलिंग जरूर ओ से शुरू होती है लेकिन आप लोग बोलोगे इसको हरी मोहन जी पीडीएफ कहां मिलेगी ये देखो स्टार्ट हो गए पीडीएफ कहां पर मिलेगी दोस्तों केवल पीडीएफ से थोड़ी सिलेक्शन होगा यार मैं दे दूंगा पीडीएफ बताओ कौन सी पीडीएफ चाहिए आपको सारी पहले दे दूं पढ़ाना छोड़ दूं मैं ये तो बढ़िया यार मेरा काम आसान हो जाएगा पीडीएफ पीडीएफ पर पी डी एफ का है? मार्केट में जाओ अपने पास में इतनी बुक्स है इतनी पीडीएफ है अगर इससे ही सिलेक्शन हो जाता तो भाई बात ही क्या होती तो पहले समझो तो सही आप मिलेगी पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी ठीक है आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो टीथ है इसके जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो किसकी है इनेमल है और ये हमारी बॉडी का सबसे सख्त हिस्सा है सबसे कठोर हिस्सा है सबसे हार्ड पार्ट है ठीक है चलो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं आप लोग बताओ कितने होते हैं तो अगर बात करें एक एडल्ट की एक वयस्क की जैसे आप सभी एडल्ट हो तो एडल्ट में दांतों की संख्या होती है 32 और जो बच्चा होता है ना तीन से तीन से चार साल तक के बच्चे की बात करें तो उसमें जो दांतों की संख्या होती है वो केवल 20 होती है ठीक है अब एक चीज ध्यान रखना इन 20 दांतों को हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं दूध के दांत भी बोलते हैं दूध के दांत का मतलब क्या है क्योंकि दोस्तों इनको अच्छा दूध के दांत क्यों बोल रहे हैं पहले समझो जैसे मान लो कोई बच्चा है इसका ये निचला जबड़ा हो गया ये ऊपरी जबड़ा हो गया टोटल बीस दाते हैं निचले जबड़े में दस हो गए ऊपरी जबड़े में दस हो गए स्टार्टिंग में केवल यही आता है दोस्तों होता क्या है ये दांत एक बार क्या होते है? हैं टूटते हैं या मैं बोलू अगर ये टूट गए तो वापिस आ जाएंगे तो ये वाले दांत आपके वापिस आ जाते हैं ठीक है तो जो बीस दांत है एक बार टूटते हैं वापिस आते हैं तो एडल्ट में ये बीस दांत तो हो ही गए ऊपर दस दस नीचे साथ में दोस्तों जब आप लोग बड़े होते हैं ना बारह दांत एक्स्ट्रा और आते हैं बीस तो थे ही बारह दांत एक्स्ट्रा और आते हैं तो टोटल कितने हो गए बत्तीस हो गए और दोस्तों ये जो बारह दांत आपके आए ना ये केवल एक ही बार आएंगे गलती से अगर ये दांत टूट गया ना तो ये वापस नहीं आएंगे क्लियर है क्या क्लियर है क्या आगे बात समझ में आगे बात समझ में आ जाओ तो आ जाओ अब हमारे जो टीथ होती है ना उसकी विशेषता क्या होती है बताओ क्या विशेषता होती है आइए तो पहली विशेषता है दोस्तों थीकोडोंट होता है हमारे दांत थीकोडोंट का मतलब क्या है सर ऐसे दांत जो गम्स के अंदर फंसे होते हैं जिसका कुछ पार्ट गम्स के अंदर फंसा होता है उसको आप लोग बोलते हैं ठीक है दोस्तों हमारे दांत को आप लोग हेट्रोडोन भी बोलोगे विषम दंती बोलोगे क्यों क्योंकि हमारे सभी दांत एक जैसे नहीं है अगर किसी के सभी दांत एक जैसे हैं तो उसको आप लोग समदंती बोलोगे होमोडोंट बोलोगे जैसे आपको बता दू मगरमच्छ जो होता है ना उसके सारे दांत एक जैसे होते हैं मछली के एक जैसे होते हैं तो उनके दांत को आप लोग होमोडोंट बोलोगे समदंती लेकिन हमारे को नहीं बोल सकते ठीक है तीसरी विशेषता क्या है डाइफाइडोंट आप लोग बोलोगे द्वि दंती इसका मतलब क्या है मैंने अभी आपको बताया हमारे कुछ दांत ऐसे हैं जो टूटते हैं फिर वापिस आते हैं मतलब दो बार हमारे दांत आते हैं कुछ दांत हमारे ऐसे हैं तो इस विशेषता को हम लोग बोलते हैं क्या कि हमारे दांत है द्वी बार दंते दोस्तों आई क्या समझ में बताओ आई बात समझ में कोई समस्या प्राइवेट ट्यूशन देते हो सरो पॉल जी बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट ट्यूशन देते हो क्या नहीं यही आप पढ़ो प्राइवेट गवर्नमेंट सब यही है आपका ठीक है चले आगे।, आगे आगे बात समझ में क्लियर है तो सेशन को लाइक कर दो ऐसे क्यों चुपचाप बैठे हो आ जाओ आ जाओ तो मैं आपको फिर से बताता हूं दोस्तों हमारे बीस दांत ऐसे हैं जो अगर आ गए और टूट गए तो वो वापस आ जाते हैं तो दांत ऐसे हैं जो कि हमारे दो बार आते हैं दो बार आते हैं जबकि जब जैसे आप एडल्ट होते हो तो बीस जैसे बीस थे और जो एक्स्ट्रा बारह दांत आते हैं ना दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर टूट गए तो वापस नहीं आएंगे वो एक ही बार आएंगे क्लियर है क्या क्लियर है क्या इसीलिए दोस्तों इस ये जो टीथ होते हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ

देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे होते हैं उसमें टोटल दांत कितने होते हैं जल्दी से बताइए बीस होते हैं तीन छह चार साल तक के बच्चे की बात करें और एडल्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं आप लोगों के बत्तीस होते हैं चलो दोस्तों ये निचला जबड़ा मान लो ये ऊपरी जबड़ा मान लो एडल्ट में निचले जबड़े में सोलह ऊपरी जबड़े में सोलह सही बात है क्या और बच्चे की बात करें तो ऊपरी जबड़े में दस निचले जबड़े में दस दोस्तों बात क्लियर है क्या बताओ तो अगर मैं इन सोलह के बारे में आप लोगों को बताना मतलब बत्तीस के बारे में बताना तो मैं बत्तीस क्यों बताऊंगा केवल नीचे वाले सोलह बता दू क्या क्योंकि जैसे नीचे वाले जबड़े में है वैसे ही तो ऊपरी वाले जबड़े में तो अगर मैं सोलह बता दूंगा ये वाले तो ऊपर वाले सोलह अपने आप समझ में आ जाएंगे बोलो बात क्लियर है क्या अरे बात क्लियर है क्या निचले जबड़े के अगर मैं सोलह दांत बता दूं तो ऊपर वाले सोलह जबड़े अपने आप समझ में आ जाएंगे अब दोस्तों मैं सोलह भी क्यों बताऊं दोस्तों इसको दो पार्ट में बांट दूं तो आठ दांत आप लोगों के इधर होंगे और आठ ही दांत आप लोगों के इधर होंगे तो मैं सोलह भी क्यों बताऊं केवल ये आठ बता दूं क्योंकि अगर ये आपको आठ समझ में आ गए तो ऐसे की ऐसे आठ आपके इधर होंगे यानी नीचे के सोलह समझ में आ जाएंगे नीचे के सोलह समझ में आ गए तो ऐसे के ऐसे सोलह ऊपर है पूरे बत्तीस दांत समझ में आ जाएंगे बोलो हाँ या ना बताओ बोलो सिमिलरली जो बच्चे होता है ना मैं टोटल बीस दांत क्यों बताऊं केवल नीचे के दस बताता हूं क्योंकि ऐसे के ऐसे दस ऊपर होंगे तो नीचे के समझ में आ गए तो ऊपर के भी आ जाएंगे एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों मैं दस भी क्यों बताऊं केवल ये पांच बता दूं क्या यहाँ के क्योंकि जैसे ये पांच होंगे वैसे के वैसे पांच आप लोगों के यहां पर होंगे दोस्तों आ गई क्या बात समझ में अरे आई या नहीं आई बताओ जल्दी से आ गई क्या आ जाओ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं आ, बच्चों में ठीक है बच्चों में बताऊं या पहले एडल्ट में बताऊं सर एडल्ट में बताओ आप तो आ जाओ आ, एक काम करो एक काम करो ठीक है पहले एडल्ट में बताता हूं आ जाओ ठीक है पहले एडल्ट में मैं बता रहा हूं देखो दोस्तों इसको मैंने बांट दिया दो पार्ट में बांट दिया दो पार्ट में बांट दिया ठीक है ये आर्ट के बारे में हमको पढ़ना है ठीक है दोस्तों इसमें स्टार्टिंग के जो दो दांत होते हैं ना इसको आप लोग बोलते हैं इंसिजर यानी कृतंक तो दोस्तों यहां पर अगर दो इंसिजर हुए तो दो ऐसे यहां पर होंगे तो दो प्लस दो कितने और चार अगर निचले जबड़े में तो चार ही ऊपरे जबड़े में होंगे तो टोटल इंसिजर टोटल कृतंक कितने हो गए आठ हो गए बात समझ में आ गई क्या बात समझ में आ गई क्या दोस्तों इन आठ में से दो क्या है आप लोगों के इंसीजर है कृतंक है ठीक है दोस्तों इन दो इंच के पास में एक जो दांत होता है उसका नाम है केनायन यानी रदनक तो अगर मैं आपको बोलूं इन आठ में केनायन कितना होगा सर एक होगा तो एक अगर इधर है तो एक ही आपका इधर होगा यानी टोटल निचले जबड़े में आपके जो केनायन हो गए रदनक हो गए दो हो गए दो नीचे है तो दो ऊपर होंगे टोटल केनायन कितने हो गए टोटल रदनक कितने हो गए सर चार हो गए एक चीज और ध्यान रखना केनायन को किसपीड के नाम से भी जानते हैं आगे बात समझ में बिल्कुल सर इसके बाद के दो दोस्तों केनाइन के पास में जो दो दांत होते हैं ना उसे आप लोग बोलते हैं प्री मोलर यानी अग्र तो दो यहां पर दो यहां पर टोटल निचले जबड़े में कितने हो गए चार चार नीचे तो चार ही ऊपर टोटल प्री मोलर टोटल अग्र चवंडक कितने हो गए आठ हो गए बोलो हाँ या ना बोलो ठीक है दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं लास्ट के जो तीन दांत होते हैं ना उसे आप लोग बोलते हैं मोलर यानी चवंडक तो तीन इधर तो तीन इधर टोटल कितने हो गए छह हो गए तो छह अगर निचले जबड़े में छह ही ऊपर जबड़े में टोटल आप लोगों के मोलर यानी चवरनक कितने हो गए बारह हो गए दोस्तों गिन के देख लो बारह और आठ बीस प्लस चार चौबीस प्लस आठ बत्तीस तो क्या टोटल दांत बत्तीस हो गए क्या बोलो अरे बोलो सर जो बैच है उसमें मंडे से केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं सुमेन्या जी अभी केमिस्ट्री का एक टॉपिक बचा है जो अपना फाउंडेशन बैच चल रहा है ना एप पे उसमें केमिस्ट्री का एक टॉपिक बचा हुआ है फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ठीक है अरे आगे बात समझ में तो अगर मैं आप लोगों को बात बोलू क्या थे 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 इन में से दो क्या इंसीजर कैनाइन कितना था एक था प्री मोलर कितना था दो था मोलर कितना था तीन था बताओ तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं क्या टू वन टू थ्री तो इसको लिख दो है क्या सिमिलरली है ऊपर भी ऐसा दंत सूत्र. इसे क्या बोलते है? डेंटल दंत सूत्र. समझ में आ गया ये तो मैंने आपको बताया किसके बारे में टोटल बत्तीस दांत के बारे में बात करते हैं दोस्तों तीन से चार साल तक के बच्चे की बात करते हैं आइए वहां पर समझाता हूं दोस्तों में निचले जबड़े में होंगे उनके दस दांत इधर इधर पांच 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 तो इस पाँच में से स्टार्टिंग के जो दो दांत होते हैं ना वो होते हैं आप लोगों के इंसीजर यानी तो दो इधर हो गए दो इधर टोटल चार हो गए नीचे चार ही आप लोगों के ऊपर होंगे टोटल हो गए आठ क्लियर है ठीक है दोस्तों इन दो दांत के एक पास में जो दांत होता है वो होता है केनायन तो एक केनायन इधर एक इधर टोटल दो निचले जबड़े में दो ही ऊपर जबड़े में केनायन कितने हो गए टोटल चार हो गए दोस्तों ध्यान रखना बच्चों में प्री मोलर नहीं होते हैं अग्र चवर्णक नहीं होते हैं तो इधर भी कोई नहीं है इधर भी कोई नहीं है तो ऊपर भी कुछ नहीं होगा टोटल प्रीमोलर जीरो दांत में से तीन तो मैंने बता दिया फिर आखिरी के जो दो दांत ना उनको बोलते हैं मोलर चवरनक तो दो इधर दो इधर टोटल हो गए चार चार ही ऊपर तो मोलर कितने हो गए आपके आठ हो गए गिन के देख लो क्या टोटल बीस आ रहे हैं क्या तो अगर इनका आप लोग फॉर्मूला बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे दोस्तों देखो इस पांच में से इंसीजर कितने थे आप लोगों के दो थे कैनाइन कितना था एक था प्री मोलर क्या था कोई प्री मोलर नहीं था मोलर कितने थे दो थे तो यहां पर जो टीथ फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टू वन जीरो टू बाई टू वन जीरो टू दोस्तों बात क्लियर है क्या क्लियर है क्या अरे क्लियर है क्या आगे बात समझ में दोस्तों आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए लंबी जोश मैं। में में आगे बात समझ ठीक है अब दोस्तों कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार कोई बच्चा होता है उसमें सबसे पहले कौन से दांत आता है अभी आप बच्चे को देखना आप देखना उसमें ये सामने वाले दांत सबसे पहले आते हैं ये ये कौन से होते हैं सामने वाले इंसीजर होते हैं तो आप लोग बोलोगे इंसिजर दांत सबसे पहले आते हैं जब भी आप लोग हंसते हो ना तो इंसिजर सबसे पहले दिखते हैं इसलिए इंसिजर को हम लोग स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं आइए दोस्तों बात करेंगे टेंशन मत लो आ चलो आ जाओ जाओ चलो अब के बारे में बात करते हैं इसको बिठा दे के उधर ये ए भाई आप तू बैठ जा अब एक एक के बारे में बात करते हैं चलो दोस्तों आप सभी एडल्ट हो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं मान लू सही मान रहा हूं क्या मान लू क्या क्लियर है क्या एक लड़का है जिसका नाम है मैथ्स बाय धाकड़ सर नाम रख रखा है मैथ्स बाय धाकड़ सर और बोल रहा है सर जनरल साइंस का और बेस साइंस का जो क्लास है ग्यारह सौ में कर दो अरे धाकड़ सर धाकड़ सर आप तो मैथ्स पढ़ाना नहीं आता लेकिन हमको साइंस पढ़ाना आता है तो एक थोड़ी सी तो इज्जत रख लो दोस्तों आपको मैं फिर बता रहा हूं आपको नहीं लेना कोई भी चीज मतलब मैं आपको जबरदस्ती करता ही नहीं क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट है उनको पता है कंटेंट किसको बोलता आप यहां पर देख सकते हो एक चैप्टर जो पढ़ा रहा हूं इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हो क्या कंटेंट होता है क्या मेहनत लग रही है और आप लोगों के लिए बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइज ही मैंने रख रखी है तो प्लीज आप थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है यार मैं कचरा नहीं ले सकता यार अगर आप बोलो कि सर मुझे कम कचरा चल जाएगा मैं कल दो सौ निन्यानवे दो बीस दिन में पूरी साइंस खत्म करा दू दिक्कत आपकी नहीं है दोस्तों आपका क्या विश्वास उठ चुका है आपने कहीं से खर, खरीदा होगा सस्ते के चक्कर में तीन सौ निन्यानवे खरीद लिया दो सौ निन्यानवे मिल रहा है अंदर कुछ मिला नहीं ठीक है इधर आप लोग पढ़ो आ जाओ दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूं आप एडल्ट है तो आपके निचले जबड़े में सोलह दाता है ठीक है अब दोस्तों सोलह में से आठ पे नजर डालना ये एक लाइन कर लो इसको भूल जाओ इधर इधर पे दोस्तों यहां वाले जो दो दांत है ना जस्ट ये वाले इसको बोलोगे दोस्तों जो दांत होता है ना इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा जब भी आप लोग हंसते हो सबसे पहले यही दांत दिखते हैं ना तो इसलिए हम लोग इनको, इनको स्माइल टीथ भी बोलते हैं स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं ठीक है दूसरी बात क्या है इसका काम क्या है सर ये कटिंग ऑफ फूड करता है भोजन को काटता है जैसे मान लीजिए आप एप्पल खा रहे हो एप्पल को कहां पर रखते हो सीधे अंदर डाल दो क्या अंदर डाल देते हो क्या कहां से कट करते हो आगे से कट करते हो ना तो ये क्या करता है फूड की कटिंग करता है दोस्तों ब्रेड वगैरह आप लोग खाते हो तो ब्रेड को सीधे अंदर डाल देते हो क्या गोल करके पान की तरह अंदर घुसे देते हो क्या नहीं आगे से कट करते हो तो इसको हम लोग इसका काम क्या है कटिंग ऑफ फूड है ठीक है बहुत बढ़िया दोस्तों करते नेक्ष्ट। नेक्ष्ट बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बात कर ले क्या अरे नेक्स्ट बात कर ले क्या कर ले क्या बिल्कुल सर ये रहा आपका निचला जबड़ा अरे मैं बार बार क्यों बता रहा हूं ये दो इंसीजर के दो इंसीजर के जस्ट पास वाला दांत है ना हाथ लगा के देखना काफी शार्प है काफी नुकीला ही है तो ये जो आप लोगों का कैनाइन है ना ये काफी शार्प दांत है काफी पॉइंटी टीथ है दोस्तों इसका काम क्या है टीयरिंग फाड़ना जैसे आपको पता है अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है जैसे शेर खाता है ना तो शेर का ये वाला दांत बहुत क्योंकि मांस की टीयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आपको भी कोई चीज फाड़नी हो कोई पन्नी वगैरह फाड़नी होते आगे नहीं लगाओगे आप आ, यहां से स्टार्ट करोगे आप है ना तो उसका काम है टीयरिंग ठीक है ठीक है जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं एनिमल्स उनमें ये वाला जो टीथ होता है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट बात करते हैं प्री मोलर अब जैसे मान लो आप बादाम खा रहे हो बादाम को आगे तो रखोगे नहीं बादाम को आपको थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा तो थोड़े पीछे वाले दांत का इस्तेमाल करोगे तो कैन के जस्ट पास में जो प्री मोलर है ना अग्रचवर्णक उनका काम क्या है ग्राइंडिंग है ठीक है दोस्तों इसके जस्ट पास में जो पीछे तीन दांत है आप लोगों के देते हैं, ठीक है? साथ में ज्यादा सा योगदान है क्लियर है क्या क्लियर है क्या आ, सर मैंने आपसे एन टीपीसी दो की तैयारी की बट फाइनल लिस्ट में पॉइंट से रह गया था तो उस टाइम मैंने आपकी कंप्लीट थोड़ी की क्लास नोट्स बनाए थे अगर मैं आपको फाउंडेशन बैस लू क्या बोलना चाह रहे पढ़नी में क्लियर है क्या चले आगे बात समझ में अच्छा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कुछ विशेष कीत की हम लोग बात करते हैं आपने सुना होगा विजडम टीत आप लोग बोलोगे सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं अरे देखो ना यार दोस्तों जो आपका निचला जबड़ा है है ना उसमें ये जो आखिरी के तीन दांत है उसको आपने क्या बोला मोलर बोला चवर्णक बोला दोस्तों सबसे आखिरी वाला जो मोलर मोलर है ना जिसे आप लोग ये तो देखो फर्स्ट मोलर हो गया ये सेकेंड हो गया ये थर्ड मोलर हो गया एक्चुअली में ये वाला दांत है ना आपका सबसे बाद में आता है लगभग आप मानो अठारह की एज के बाद ही आपका निकलता है तो दोस्तों आपको थोड़ी बुद्धि आती है, 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 plus 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 सर, है फिर सीखते तब करते हैं तो दोस्तों हम लोगों ने इससे जस्ट रिलेट कर दिया कि यार अठारह साल के बाद में बुद्धि तो इसको बोल दो विजडम टीथ बुद्धि का दांत अकल दांत लेकिन दोस्तों इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि भाई इसके आने से अरे जस्ट ऐसे रिलेट करके बोल दिया क्लियर है क्या ठीक है अब एक चीज आप लोग ध्यान रखो इनकी टोटल संख्या कितनी होगी चार हो गई देखो एक यहां पर हो गया एक यहां पर होगा निचले जबड़े में दो गए जबड़े में भी कितने होंगे दो टोटल चार देखो ये बिल्कुल आखिरी वाला अब दोस्तों कई बार किसी के क्या दिक्कत होती है ये जो आखिरी वाला जो दांत होता है ना विजडम टीथ अकल दांत जिसको बोल रहे हो थर्ड मोलर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा आ जाता है तो टेढ़ा आने की वजह से ये इसको टक्कर मारता है इसको भी थोड़ा सा वो कर देता है है ना और काफी पेन होता है तो कई बार जब आप डॉक्टर के जाते हो डॉक्टर बोलता है कि भैया आ गया हो गया इसका समय इसको निकलवा दो किसी का निकला है क्या ये और अगर किसी का निकला है तो कभी वापस नहीं आया होगा क्योंकि ये ये जो दांत होता है जीवन में एक ही बार आता है आगे बात समझ में क्लियर है क्या और आप मुझे ये बताओ जब तक ये दांत नहीं आया था तो ऐसा थोड़ी कि हम जी, हम मर गए थे या फिर हमारे में जीवन नहीं था सर हम तो बढ़िया आराम से खेल रहे थे कूद रहे थे बढ़िया कोई दिक्कत नहीं था तो ये आपका दांत ऐसा है अगर आपकी बॉडी में नहीं भी हो ना तो आपकी बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसे ऑर्गन जिनके ना होने पर भी कुछ प्रभाव ना पड़े उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं अवशेषी अंग बोलते हैं तो ये आपका क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन है एक अवशेषी अंग है और भी अवशेषी अंग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे टेंशन मत लो चले आगे आ जाओ चलो तो माउथ की बात हो गई अब बात करते हैं इनकी नई टंगे की हाँ खुश हो गए आ जाओ सर बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए प्लीज सही सही से नहीं दिख रहा यादव बोला जी अगर मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या बतावा तब तो मैं कर दू अभी अरे दोस्तों बैकग्राउंड को मारो गोली कंटेंट पे ध्यान दो कोई बात नहीं यार बैकग्राउंड कोई अब मैं ब्लैक कर दूं फिर चार बच्चे आ जाएंगे बोले सर जो मैं करना मुझे अपने मन के तो फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो आप है बढ़िया पढ़ाई करो आपके लिए इतना शानदार दे रहा हूं बस पढ़ने के अलावा कहीं ध्यान मत दो आप चलो टंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों टंग ध्यान रखना एक मस्कुलर ऑर्गन है सर मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है केवल मसल्स का बना हुआ है केवल मांसपेशियों का बना हुआ है जैसे आपका जो हर्ट है ना वो भी मस्कुलर ऑर्गन है केवल मसल्स का बना हुआ है मांसपेशी का कोई हड्डी नहीं है इसमें ठीक है अब दोस्तों ये जो आप लोगों का टंग है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होती, होती होगी बिल्कुल और सर ये टंग जुड़ी हुई कहां से है सर इसका एक एंड तो फ्री है इसका जो आखिरी पार्ट है ट कहीं ना कहीं से तो कनेक्टेड होगी ना तो जब हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा हमारे यहां पर अंदर एक हड्डी होती है जिसका नाम है हायोड तो ध्यान रखना ये आपके किससे जुड़ी होती है हायोड नाम की हड्डी से जुड़ी हुई होती है चलो सर जीप की लेंथ की भी बात करें दोस्तों दस सेंटीमीटर होती है है ना दस सेंटीमीटर कितनी होती है आप लोगों को पता है जैसे हम लोग स्कूल में एक स्केल यूज करते थे वो कितने सेंटीमीटर की होती थी पंद्रह सेंटीमीटर की तो उसका देखो लगभग इतना पार्ट कर लो टू थर्ड कर लो क्लियर है क्या चले आगे आगे बात समझ में बिल्कुल आ गई आ जाओ अब दोस्तों टंग में आपको लगता है कि सर मैंने रसगुल्ला खाया मजा आ गया मुझे मीठा लगा सर मैंने कोई चीज खाई मुझे खट्टी लगी लेकिन दोस्तों आपका ये जो आपकी जीब है ना अब यार तुम खट्टा भी मीठा भी कड़वा भी सब है ना आप सोच रहे हो यार जीभ कर लेगी दोस्तों तो जीब ने अपने काम है ना अलग अलग पार्ट को बांट दिया है जैसे बोल दिया कि भैया तू आगे वाला पार्ट तू जो मीठा होगा ना मीठे स्वाद का ध्यान रखना मीठे स्वाद का अनुभव तेरे को ही करवाना है पीछे वाले को बोल दिया भाई बिटर कड़वे स्वाद का अनुभव तू करवाना अपन वरना कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है तो आ जाओ तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका जो ये वाला पार्ट होता है ना एक रुको उ, ये वाला पार्ट ये वाला ये, ये रेड कलर की तो आपकी टंग हो गई जो ये पूरा का पूरा पार्ट होता है ना इससे आप लोगों का उमामी यानी कसेले स्वाद का अनुभव होता है सर ये कसैला स्वाद कौन सा होता है जब टमाटर सड़ जाते हैं कड़वे लगते हैं ना तो दोस्तों वो उसी को बोलते हैं कसेला स्वाद तो कसेला स्वाद का अनुभव आप लोगों का यहीं से ही होता है दोस्तों ये आपकी टंग है इसके ये लेफ्ट और राइट ये जो टिप है ना टिप मतलब ये इससे आपको खट्टे स्वाद का अनुभव होता है दोस्तों बात करें जो आपके आगे की जो टिप है इससे स्वीट मीठे स्वाद का अनुभव होता है दोस्तों पीछे से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है और बिल्कुल ये थोड़ा आगे से और ये टिप और ये टिप से नमकीन सॉल्टी टेस्ट का अनुभव होता है जैसे आप कभी बुलाओगे सिलेक्शन हो जाएगा तो सर आओ घर पे चाय पियो समोसे खाओ तो जब चाय आप मुझे पिलाओगे उसका अनुभव कहाँ से होगा यहां से होगा क्योंकि तो आप डालोगे कड़वी चीजें ये मास्टर आ गए बहुत परेशान करता था मेरे को आज आ गए आप मुझे समोसे खिलाओगे तो समोसे का अनुभव कहाँ से आएगा यहां से नहीं यहां से उसमें दोगे पुराना समोसा पांच सात दिन जो कड़वा हो जाए ना बिल्कुल बोले खिलाओ इस मास्टर को बहुत ज्यादा बोलता था ये ठीक है तो भैया ऐसे मत करना आप नहीं बुलाओगे चल जाएगा लेकिन ऐसा मुझे मत करो क्लियर है चले आ जाओ अब दोस्तों आपने मुझे बताया कि माउथ के अंदर तीन चीजें होती है सर टीथ होता है आपने बता दिया टंग होती है बता दिया दोस्तों इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती है जिसे आप लोग बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियां तो उसके बारे में भी तो पढ़ना है तो दोस्तों हमारे माउथ के अंदर ही क्या पाई जाती है लार ग्रंथियां भी पाई जाती है ग्रंथियां किसको बोलते हैं सर बॉडी के ऐसे पार्ट जिनसे कुछ ना कुछ निकलता है दोस्तों इससे भी कुछ ना कुछ निकलता होगा बोलोगे लार। लार मदद कैसे करता है हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के केमिकल्स बनते हैं और उनका अलग अलग काम होता है कुछ केमिकल्स को आप लोग हॉर्मोन्स बोल देते हैं कुछ केमिकल्स को आप लोग एंजाइम बोल देते हैं तो सर इस एंजाइम के बारे में बताओ ये एंजाइम क्या है दोस्तों ये एक ऐसे बॉडी में बनने वाले ऐसे केमिकल है ऐसे पदार्थ है जो कि भोजन के पाचन में मदद करते हैं क्या करते हैं भोजन का पाचन करवाते हैं भोजन का पाचन करवाते हैं जैसे आप मुझे बताओ ये आपके पास में एक कागज का टुकड़ा है दोस्तों क्या है कागज का टुकड़ा है अगर मैं आपको बोलू इसको आपको छोटा करना है इस, इस, इसको छोटा करना है क्या तरीके है बताओ एक तो दम लगा दो यहां से एक आदमी ने हाथ लगाया कि यहां से लगाया ऐसे कर दिया तो कागज का टुकड़ा छोटा हो जाएगा कोई और तरीका भी है क्या एक तरीका और है सर ग्लास के अंदर पानी लो या सर इसके अंदर इसके ऊपर पानी डाल दो पूरा सीम जाएगा देखो कितना छोटा सा हो जाएगा सीम जाएगा ना बताओ तो सिमिलरली एंजाइम भी यही काम कर रहे हैं जैसे कोई भोजन है उसके ऊपर जब ये एंजाइम गिरता है ना तो उसका क्या करता है छोटे पार्ट में तोड़ता है मतलब कुल्ला के पाचन कराता है और दोस्तों ये जो एंजाइम्स होते हैं ना ये हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो गई वो डॉक्टर के पास में गया डॉक्टर ने दवाई दी तो आप देखना उस पर लिखा होता है ट्रिप्सिन एमाइलेज तो वो क्या होता है सारे एंजाइम्स होते हैं वो आपके बॉडी में नहीं बन रहे होंगे अब आप लोग अंदर लोगे तो भोजन जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था वो आपका डाइजेस्ट करा देगा क्लियर है क्या ठीक है

जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं बाह्य श्राव्य ग्रंथि दोस्तों बाह्य श्राव्य ग्रंथि किसको बोलते हैं जिनसे सर कुछ जूस निकलता है जिससे कुछ रस निकलता है और इन जूस में क्या पाया जाता है एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं ठीक है क्या आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा बिल्कुल तो सर क्या इस सलाइवा इस लार में भी कुछ एंजाइम है क्या जो भोजन का पाचन करवा रहे हैं बिल्कुल इसमें भी एंजाइम है कौन से हैं वो बात करेंगे सबसे पहले आप लोग समझो हमारे माउथ के अंदर जो सेलेवरी ग्लैंड पाई है ना वो एक नहीं है अलग अलग टाइप की है कोई छोटी सी है कोई बड़ी सी है टोटल तीन टाइप की सेलेवरी ग्लैंड पाई जाती है एक होती है दोस्तों आपकी पेरोटेड ग्लैंड इससे भी सलाइवा बनता है एक होती है आपकी सबलिंग ग्लैंड इससे भी सलाइवा बनता है एक होती है आपकी सब मैंडर ग्लैंड इससे भी आपका सलाइवा बनता है सर ये पेरोटेड ग्लैंड कहां पर होती है ये कान होता है ना कान कान के जस्ट नीचे इस साइड होती है माउथ में अंदर की साइड बता रहा हूं मैं एक इधर होती है एक इधर होती है तो टोटल पेरोटेड ग्लैंड कितनी हो गई दो हो गई देखो मैं आपको बताता हूं ये रहा आपका कान हाँ कान के जस्ट नीचे ये रही ये रही आपकी पैरोटेड ग्लैंड ठीक है तो एक ये रही एक ये रही ठीक है, है तो अगर आप लोगों से बोला जाए इनकी संख्या कितनी होती है दो होती है साथ में दोस्तों जो टोटल तीन प्रकार की आपके सिलेवरी ग्लैंड पाई जा रही है उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों तीनों में सबसे बड़ी जो है वो आपकी यही है बहुत बढ़िया आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ग्लैंड सर ये जो सब लिंग जो ग्लैंड है क्या ये भी आपकी इससे भी सलाइवा बनेगा क्या बिल्कुल सर ये कहां पर होती है जो आपकी टंग होती ना उसके नीचे की साइड होती है नीचे नीचे की साइड होती है और इन तीनों में ये क्या होती है सबसे छोटी होती है स्मॉलेस्ट होती है याद रह जाएगा क्या बिल्कुल आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सबमेंड्यूलर सबमेंड्यूलर ग्लैंड कहां पर होती है जो आपका निचला जबड़ा होता है ना ये जो लोअर जो होता है निचला जबड़ा इसके नीचे की साइड होती है इसके नीचे की साइड होती है दोस्तों ये सबसे बड़ी नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा सलाइवा जो लार बनता है ना वो इसी से बनता है लगभग सत्तर से पिछहत्तर परसेंट जो भी सलाइवा बन रहा है लार बन रहा है वो इसी से बन रहा है तो ये आपको याद रह जाएगा आपसे पूछा जाता है कि हमारे मानव शरीर में इनमें से कौन से ग्लैंड है जो ग्लैंड नहीं है लार ग्रंथि नहीं है आपको तीन के नाम याद रखना है तीन है इसके अलावा कोई आता है तो आप लोग बोलोगे वो कुछ और है वो आपकी ग्लैंड नहीं है अब सर ग्लैंड से बन रहा है सलाइवा लार सर इसके बारे में बताओ देखो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है हर पदार्थ की कोई ना कोई पीएच होती है सर इसकी भी कोई पीएच है क्या बिल्कुल इसकी पीएच है जिसकी पीएच एच से कम होती है वो आपका अम्बली प्रकृति का होता है तो ये आपका क्या है एसिडिक नेचर का है अम्बली प्रकृति का है अब दोस्तों ये जो आपका सलाहेवा बना ना ये जो लार बना इस, इसमें मैग्जिम पार्ट क्या है इसका वाटर ये नाइनटी क्या है पानी ही है तो आप लोग बोलोगे कि सर अगर देखो अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी ना तो लार भी नहीं बन पाएगा और जी डी सी का, तो का, का फॉर्म भरा है प्लीज रिप्लाई हाँ दोस्तों आरआरबीजे के सीबीटी टू का जो एडमिशन है वो बंद हो चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियर का कोर्स आया था वो एडमिशन फुल हो चुके हैं जब नया आएगा मैं आपको बता दूंगा क्लियर है क्लियर है दोस्तों आ जाओ चलो अब सर इस सलाइवा में कोई एंजाइम होता है क्या बिल्कुल होता है एंजाइमी तो डाइजेशन कराएगा पाचन कराएगा तो सर कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों बात करो दोस्तों आप लोग भोजन में क्या क्या करते हो बताओ सुबह से शाम क्या खाते हो बताओ राजेश एक गर्म पानी दो समोसा करके हैं बताओ क्या क्या खाते हो सर मैं तो बहुत सारी चीज खाता हूँ दोस्तों आप जो भोजन करते हो ना उसमें बहुत सारी चीज होती है पता है आपको क्या क्या होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है उसमें प्रोटीन भी होता है उसमें फैट भी होता है उसमें विटामिन भी होते हैं उसमें मिनरल्स भी होते हैं और पानी भी होता है क्लियर है क्या दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो खाते हो अलग अलग टाइप का होता है जैसे आप जो अनाज खाते हो उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च होता है तो आपको बेसिकली स्टार्च का भी डाइजेशन कराना है जो प्रोटीन आप लोग खा रहे हो उसका भी डाइजेशन कराना ठीक है तो ये बेसिकली पहले तो आप लोग समझो कि हमारे सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों उसका नाम है एमाइलेज आगे चल के मैं बताऊंगा एमाइलेज आपके नीचे पेनक्रिया से भी निकलता है यहां से भी निकलता है इसलिए हम लोग उसको सेलेवरी एमाइलेज बोल दो जो आपकी सलाइवा में पाया जा रहा है एक अलग ही नाम दे दो ना ठीक है चलो इसको एक अलग नाम देते हैं इसका नाम है टाइलिन सर ये एंजाइम किसका पाचन करता है मैं तो बहुत सारी चीजें खाता हूं दोस्तों आपके भोजन में जो स्टार्च होता है ना ये उसका डाइजेशन करता है स्टार्च क्या है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ये कहां पर मिलता है सब्जियों में मिलता है फलों में मिलता है अनाज में मिलता है ठीक है अब दोस्तों स्टार्च क्या होता है ये बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है तो आपको आपका काम क्या बेसिकली इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना जिससे ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए ये इतनी बड़ी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती दोस्तों ये जो छोटे छोटे जिन पार्ट से बना हुआ है वो क्या है ग्लूकोज ग्लूकोज के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ग्लूकोज के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो जब स्टार्च का डाइजेशन होगा तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेंगे बहुत सारे ग्लूकोज के पार्टिकल्स मिलेंगे सही बात है क्या सही बात है क्या अब दोस्तों ऐसा नहीं है हमारे माउथ में जो सलाइवा में जो एंजाइम है ना ये 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 काम कर देगा पूरा कर देगा नहीं ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं कराता ये क्या कर देगा ये दो दो के टुकड़े बना देगा दो दो के टुकड़े बना देगा ये ऐसे कर देगा ये दो दो के टुकड़े बना देगा दो दो के टुकड़े बना देगा तो दोस्तों ये बेसिकली क्या करा ग्लूकोज और ग्लूकोज के टुकड़े बना दिया ग्लूकोज ग्लूकोज के टुकड़े बना दिया ग्लूकोज ग्लूकोज के टुकड़े बना दिया मतलब मैं बोलू क्या कंप्लीट डाइजेशन हो गया नहीं आप लोग बोलोगे सर पार्शियल डाइजेशन हुआ है आंशिक पाचन हुआ है क्योंकि जब आपके ये अलग अलग हो जाएंगे ना तब आप लोग बोलोगे कंप्लीट डाइजेशन हुआ है क्लियर है क्या तो सर ये जो दो दो यूनिट है ये जो दो दो यूनिट है इसका कुछ नाम है क्या बिल्कुल इसका नाम है माल्टोज तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि सलाइवा में लार में जो एंजाइम है वो क्या करता है आप लोग बोल देंगे स्टार्च का डाइजेशन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है लेकिन अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ ध्यान रखो आप लोग ठीक है तो ये बेसिकली क्या करता है डाइजेशन करता है स्टार्च का कैसे करता है सर तो ये स्टार्च को किसमें बदल देता है ये जो आपका सेलेवरी है बदल देता है माल्टोज में बदल देता है दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं यहां पर मैं डायग्राम बनाते हुए चलता हूं जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो है ना देखो देखो मेरी बात को ध्यान समझो आपका यहां पर माउथ के अंदर जो आपने भोजन किया था भोजन में जो स्टार्च था वो किसमें टूट गया माल्टोज में टूट गया सर क्या पूरा का पूरा स्टार्च माल्टोज में टूटा क्या नहीं दोस्तों केवल सत्तर परसेंट ही टूट पाया क्यों क्योंकि भोजन को आप लोग कितने कम समय के लिए रखते हो लोन निकल गया बेचारा स्टार्च पूरा माल्टोज में बदल ही नहीं पाया केवल सत्तर परसेंट ही बदल पाया क्लियर है क्या तो बाकी का स्टार्च कहां पर होगा आगे जाके देखेंगे कहीं ना कहीं तो होगा क्लियर है क्या आपके माउथ में जो आपने प्रोटीन रखा उसका डाइजेशन हुआ क्या नहीं आपने माउथ में जो फूड रखा उसमें जो फैट था उसका डाइजेशन हुआ क्या नहीं आपने जो माउथ में फूड रखा दोस्तों जो विटामिन होता है ना मिनरल उनका डाइजेशन नहीं होता वो तो वैसे ही बहुत सिंपल होता है वो तो सीधे सीधे आके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है डाइजेशन बेसिकली करवाना है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का दोस्तों यहां तक क्लियर है क्या क्लियर है क्या बताओ बिल्कुल तो आ जाओ ये क्वेश्चन कर दो अगर जो बच्चा पढ़ रहा है वो तो आराम से करेगा बताओ आपके सलाइवा में लार में एक एंजाइम पाया जाता है 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 कौन सा होता है? होता एमाइलेज जिसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन है। ओके क्लियर क्या आ जाओ चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जब आपने भोजन रखा माउथ में भोजन में क्या थोड़ा सलाइवा मिक्स हो गया क्या तो इसको एक विशेष नाम देते हैं ऐसे भोजन को जिसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है उसे आप लोग बोलते हैं बोलस तो बेसिकली बोलस है क्या आपके भोजन में सर जब सलाइवा जब लार मिक्स हो जाता है तो ये जो बनाना उसे आप लोग क्या बोलोगे क्या बोलोगे बोलस बोलोगे क्लियर है क्या ठीक है तो अब क्या होगा ये बेसिकली जो बोलस था आपका वो कहां पर जाएगा माउथ से कहां पर जाएगा इस पाइप में जाएगा इस पाइप का नाम क्या है फूड पाइप है तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो फूड पाइप जिसको इसे फेगस भी बोलते हैं क्लियर है क्या बिल्कुल सर बताइए तो ये रहा आपका फूड पाइप जो कि भोजन को माउथ से कहां पर लेकर जाएगा स्टमक में पेट में लेकर जाएगा ठीक है दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कभी आपने सोचा है कि आप लोग है ना सो के खाना खाओगे ना तब भी पेट के अंदर ही जाएगा हमको लग रहा है कि जो खाना नीचे जा रहा है ना वो ग्रेविटी की वजह से जा रहा है नहीं दोस्तों ये जो फूड पाइप की जो मसल्स होती है ना इसके बीच में इसमें एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है जिसे आप लोग बोलते हैं पेरिस्टलिस मूवमेंट और हिंदी में आप लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन गति क्या बोलते हैं क्रमाकुंचन गति तो यहां पर बेसिकली काम कैसे करता है ये मोशन ध्यान से समझो जैसे मान लो ये आपका ये पाइप है यहां पर फूड है तो ऊपर की जो मसल्स होती है ना वो कंप्रेस होती है जो फूड जो फूड को नीचे की ओर धक्का लगाती है जो फूड को नीचे की ओर धक्का लगाती है जिससे फूड आपका नीचे की ओर आता है क्लियर है क्या ऐसे मोशन को आप लोग बोलते हैं मोशन तो फिर सर इसको काउंट क्यों करा? सिस्टम में? क्योंकि भोजन का डाइजेशन पेट में होगा और पेट में पहुंचाने का काम यह कर रहा है अगर ये नहीं होता तो माउथ से पेट में लेकर कौन आता दोस्तों बात क्लियर है क्या बताओ थोड़ा सा पानी पी लू पानी नहीं पी रहा समोसा हूं रुक जाओ एक अरे एक एक घास रुको चले दोस्तों चले सर अकेले अकेले अरे आ जाओ यार लेके आओ टी शर्ट भी देंगे सब कुछ देंगे समोसा क्या 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 खिलाऊंगा आप आओ आ जाओ इसकी लेंथ ध्यान रखेंगे 25 सेंटीमीटर ठीक है आ जाओ अब देखो सेम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि सर भोजन नली के जो दीवारें होती ना उसमें जो संकुचन और प्रसरण हो रहा है संकुचन और प्रसरण का मतलब क्या है जैसे देखो ये फूड है तो यहां से कॉन्ट्रैक्ट होता है संकुचन होता है यहां से थोड़ा सा ऐसे फैलता है जिससे फूड नीचे की ओर आता है तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऐसा चलता रहता है इस मोशन को आप लोग क्या बोलते हैं मोशन क्लियर है क्या क्लियर है क्या आ जाओ चलो आ जाओ अब आपका भोजन कहां पर पहुंच गया सर स्टमक से अब आपके पहुंच गया पेट में स्टमक में तो हमारी आज अब अब जो चर्चा का विषय होगा ना वो क्या होगा स्टमक होगा यानी पेट होगा क्लियर है क्या चलो आ जाओ दोस्तों आप लोग ध्यान रखो ये पेट है ना थोड़ा सा ये देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है बिल्कुल तो मैं बोल सकता हूँ इसकी आकृति थोड़ा सा जे टाइप का लग रहा है या मैं बोलू मैंगो जैसी लग रही है तो इसकी आकृति आप लोगों से कई बार पूछी जाती है तो मैंगो इसकी क्या हो गई आकृति हो गई अब आप लोगों को लगता होगा कि जो भोजन होता है ना वो भोजन यहाँ से स्टमक में है स्टमक से सीधे नीचे चल जाएगा नहीं स्टमक में भोजन रहेगा चार से पांच घंटे रहेगा तो स्टमक के पास में बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इसके पास में आ गया फूड वो उसका डाइजेशन करवा सकता है

ये वाला दोस्तों आप लोग बोलोगे कार्डिया और ये जो बिल्कुल आप लोगों का नीचे वाला पार्ट है ना बिल्कुल वाला पार्ट इसे आप लोग क्या बोलोगे पायलोरस बोलोगे तो अगर आप लोगों से बोला जाए स्टमक का कौन सा पार्ट छोटी हाथ से कनेक्ट होता है देखो स्टमक के जस्ट नीचे क्या है सॉरी देखो, स्टमक के जस्ट नीचे क्या है सर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो पेट से भोजन आपका जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेट का जो निचला वाला पार्ट है यही तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट है तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्टमक का कौन सा पार्ट छोटी हाथ से कनेक्ट होता है आप लोग बोलेंगे पाइलोरस क्लियर है आ जाओ चलो आ जाओ अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ है ना एक छोटी सी बात बताओ कि मैंने आपको बताया था हमारे स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड पाई जाती है कुछ ग्रंथी पाई जाती है जिसे आप लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथी बताया था क्या मैंने और आप लोगों को यह भी पता होगा हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है सेल से मिलकर बनी हुई है कोशिका से मिलकर बनी हुई है तो कुल मिला जो आपकी जठर ग्रंथि है यह भी कोशिका से मिल बनी होगी अरे बोलो हा या ना तो बेसिकली दोस्तों आपकी जो जठर ग्रंथि होती है ना ये गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें दो टाइप की सेल्स पाई जाती है दो टाइप की सेल्स पाई जाती है दो टाइप से की सेल्स पाई जाती है आइए मैं आपको लिखवाता हूं जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें दो टाइप की सेल पाई जाती है कौन सी एक होती है दोस्तों आपकी ऑक्जेंटिक सेल और दूसरा जो टाइप की सेल है उसे आप लोग बोलोगे पेप्टिक सेल यानी चीफ सेल के नाम से भी आप लोग जानते हैं सर ये क्या कर रही है भाई दोनों जब अलग अलग टाइप की सेल है तो दोनों का काम भी अलग अलग होगा बोलो हा या ना बोलो हा या ना ठीक है आ जाओ आ जाओ मैं आपको बताता हूं प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो मैंने आपको क्या बताया इसमें दो टाइप की सेल्स मिलती है कौन सी एक आपने भी बताई बताईटिक सेल है ना मैं यहां पर लिख देता हूं ऑग्जेंटिक सेल शॉर्ट में और दूसरे टाइप की सेल मैंने आपको बताई पैप्टिक सेल जिसको चीफ सेल भी बोलते हैं ठीक है, है। दोस्तों ऑग्जेंटिक सेल होती है ना ये जो कोशिकाएं होती है इनसे क्या निकलता है या क्या बनता है एचल बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि काफी स्ट्रोंग एसिड है क्लियर है क्या सर ये ये क्या करेगा दोस्तों जब ये फूड में एच मिलेगा ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा तो अगर फूड में कोई बैक्टीरिया वगैरह हो ना, तो उसको खत्म कर देगा क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके नीचे जाके आपके नीचे वाले पार्ट को इफेक्ट करेंगे समझ में आ गई बात को बोलो हाँ या ना बिल्कुल दोस्तों सिमिलरली ये जो दूसरे टाइप की सेल थी पेप्टिक सेल जिसको चीफ सेल के नाम से भी जानते हैं मुख्य कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं से क्या बनता है एक एंजाइम बनता है और आपको पता है एंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं भोजन का पाचन करवाते हैं इससे एक एंजाइम बनता है जिसका नाम क्या, है? नाम क्या है? सर इससे एक बनता है, जिसका नाम है, क्या बनता है? सर ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा आपके भोजन में जो प्रोटीन है ना उसका डाइजेशन करेगा अच्छा तो सर प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो इससे क्या मिलता है देखो प्रोटीन जो होता है ना वो बहुत छोटी-छोटी 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 यूनिट से मिलके बना होता है जिसे आप लोग बोलते हैं अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल तो कुल मिलाके जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा इससे आपको क्या मिलेंगे अमीनो एसिड मिलेंगे अमीनो अम्ल मिलेंगे बात क्लियर है क्या बात क्लियर है क्या अरे बात क्लियर है क्या तो ये पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है सर प्रोटीन को किस बदल देता है प्रोटीन को बदल देता है क्या अमीनो एसिड में बदल दे, बदल देगा क्या नहीं सर कंप्लीट डाइजेशन यहां पर ही थोड़ी हो जाएगा अभी नीचे भी जाके होगा तो प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में यानी आप लोग बोलोगे प्रोटीन का भी अभी कंप्लीट डाइजेशन यानी पूर्ण पाचन नहीं हुआ क्लियर है क्या ठीक है दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना ये पेप्टिक सेल से जो ये एंजाइम निकला ना पेप्सिन ये एक्चुअली में इनएक्टिव होता है इनएक्टिव होता है काम ही नहीं कर पाता लेकिन जैसे ही एच सी एल इस पर पड़ता है इस एंजाइम पे तो यह पेप्सिन को क्या करता है एक्टिवेट कर देता है अब यह पाचन करा पाएगा तो एच सी एल के दो काम हो गए एक तो दोस्तों अगर फूड में कोई बैक्टीरिया है उसको खत्म करना और इन वाले एंजाइम्स को एक्टिव करना क्योंकि तो यह एंजाइम जो होते हैं ना वो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं अम्लीय माध्यम में काम करते हैं तो दोस्तों पेट में ये जो एसिड बना ना एच सी एल ये एसिड इसी की वजह से तो पूरा एसिडिक मीडियम बनेगा तो ये ही आपका रेस्पॉन्बल है, है तो मैंने आपको बताया दो टाइप की सेल होती है ऑक्जेंटिक सेल से क्या बनेगा एच बनेगा इसका काम क्या है दोस्तों बैक्टीरिया को खत्म करना ठीक है साथ में और क्या होता है इसका काम देखो इससे दोस्तों एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है पेप्सिन लेकिन पेप्सिन एक्टिव नहीं है वो इनएक्टिव है इसके इनएक्टिव फॉर्म को बोलते हैं तो जब पड़ जाएगा ना तो ये इसको किस में में कर कर देगा में convert कर देगा कुल मिला ये ये हो हो गया हो गया सक्रिय ठीक ठीक है थीक है और ये जो इसमें दूसरी टाइप की सेल थी इसका काम क्या था एंजाइम बनाना कौन सा एंजाइम बनाया बनाया या फिर आप लोग बोल सकते हो पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म बनाया जैसे उस एचसीएल गिरेगा उसको पेप्सिन में बदल देगा अब ये पेप्सिन आपका क्या करेगा ठीक है ध्यान से समझिएगा दोस्तों बेसिकली से दो एंजाइम बनता है एक नहीं बनता दो बनते हैं एक तो आप लोगों का ये पेप्सिनोजन हो गया और एक आप लोगों का प्रोरेनिन ये दो एंजाइम के नाम है लेकिन ये दोनों एंजाइम इनएक्टिव होते हैं जब इनपे एच सी गिरेगा ना तभी एक्टिव होंगे तो जो दूसरा एंजाइम बना प्रो जब इस पे एच गिरेगा ना ये इसको किस में बदल देगा रेनिन में बदल देगा तो सर मुझे बेसिकली ये बताओ पेप्सिन क्या कर रहा है रेनिन क्या कर रहा है ये दोनों ही क्या करेंगे प्रोटीन का पाचन करेंगे कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूं बेसिकली ये वाला जो एंजाइम होता है ना वो बच्चों में काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों में बच्चों में कैसे बताता हूं आ जाओ दोस्तों जो प्रोटीन है ना इस पे जब ये वाला एंजाइम आएगा ना पेप्सिन भाई आपने क्या करा था भोजन खाया था भोजन में जो प्रोटीन था ना वो आपका मतलब वो भोजन जब स्टमक में पहुंचा ना तो इस भोजन में जो प्रोटीन था ना तो उस प्रोटीन पे जब ये पेप्सिन एंजाइम गिरेगा ना तो इसको किस में तोड़ेगा पेप्टोन में तोड़ देगा किस में तोड़ देगा पेप्टोन में तोड़ देगा या आप इसको पेप्टाइड भी बोल सकते हो क्लियर है क्या ठीक है सिमिलरली दोस्तों एक प्रोटीन और होता है कैसीन नाम का क्योंकि आप लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो बोल अलग अलग टाइप के होती है स्टार्च भी होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज वैसे भी प्रोटीन के भी अलग अलग नाम है तो मिल्क में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कैसीन तो जब आप लोग दूध पियोगे उसमें ये वाला प्रोटीन भी अंदर आएगा दोस्तों इस विशेष प्रकार के प्रोटीन के लिए एक एंजाइम है, तो कर, कर, कर है पहले तो आप लोगों को कैसे को तो तोड़ देता है पैप्टाइड में तोड़ देता है तो बेसिकली आपको क्या मिला आपके भोजन में जो भी प्रोटीन था चाहे वो किसी से भी मिला हो प्रोटीन आपका किस में टूट गया पेप्टाइड में टूट गया या इसे आप लोग पेप्टोन बोल सकते हो जब ये आपका अमीनो एसिड में टूटेगा तब जाके आप लोग बोलोगे कंप्लीट डाइजेशन हुआ है अभी तो केवल यहां तक की प्रक्रिया हुई है बोलो हा या ना अरे बोलो हा या ना क्लियर अब आप लोग बोलोगे किसरा आपने ऐसा क्यों बोला बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जो हम लोग हैं हम तो काफी चीजें खाते हैं दूध मेरे हिसाब से आप में से कोई मुश्किल से होगा जो डेली दूध पीता होगा पीता भी है तो केवल रात को पीता होगा सुबह से शाम तक दूध तो पीता नहीं रहता लेकिन जो बिल्कुल बच्चा होता है है ना वो वो तो माता का दूध ही पीता है मतलब उसको तो केवल यही वाला प्रोटीन मिल रहा है देखे तो यह बहुत ज्यादा मिल रहा है बताओ अरे बताओ हाँ या ना रुको एक मिनट क्लियर है चले आगे चलो देखो अब दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखना आप कुल मिला के गैस्ट्रिक ग्लैंड जो थी जठर ग्रंथि, उससे क्या क्या निकला सर ये एंजाइम्स निकले दो और सर ये एच निकला तो दोस्तों बेसिकली ये जो एच है और ये जो एंजाइम्स है ना इनको मिला के मिला के मिला के ये जो, जो जो, चीज बनी ना इसे आप लोग क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं जठर रस बोलते हैं या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि स्टमक के अंदर सर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जठर ग्रंथिया उनसे क्या बना गैस्ट्रिक जूस बना जठर रस बना सर उसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी है उन एंजाइम्स को एक्टिव कौन करता है एचसीएल करता है क्लियर है क्या चलो अब आप दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ध्यान से आप लोग समझो सारा ध्यान इधर रखो डायग्राम पे कि सर एच तो काफी स्ट्रोंग एसिड है आपकी स्किन पे गिर जाए ना दोस्तों आपकी स्किन जल सकती है फिर सर हमारे पेट पे फर्क क्यों नहीं पड़ता क्योंकि हमारे स्टमक की जो इंटरनल वॉल है ना उस पे एक विशेष लेयर होती है एक विशेष लेयर होती है उस लेयर का नाम क्या है काई की लेयर होती है वो वो काई की लेयर होती है वो होती है सर म्यूकस की लेयर किसकी लेयर होती है म्यूकस की होती है म्यूकस की लेयर होती है हिंदी में क्या बोलेंगे श्लेषमा म्यूकस क्या होता है दोस्तों सर्दी जुकाम में जो आपके नाक से जो निकलता है ना वही है म्यूकस तो बेसिकली यहां पर बहुत सारा म्यूकस जमा होता है जो एच से एच के प्रभाव से आपके स्टमक को बचाता है अगर दोस्तों ये म्यूकस ना होना तो एच सी सीधे आप लोगों के स्टमक के कॉन्टेक्ट में आएगा और आपके स्टमक को जला देगा इसको बोलते हैं अल्सर क्लियर है क्या अरे बात आ गई क्या समझ में ठीक है अब एक चीज मुझे ये बताओ जो आपका भोजन जब नीचे आया था क्या इस भोजन में गैस्ट्रिक जूस मिल गया क्या जठर रस मिल गया क्या भाई तो यहां तो भोजन में केवल सलाइवा मिला था अब जब ये नीचे है ना तो इस भोजन में सलाइवा के साथ में अब गैस्ट्रिक जूस जठर रस भी मिल गया तो इस वाले भोजन को आप लोग क्या बोलते हैं एक विशेष नाम देते हैं विशेष नाम क्या है आप लोगों का कायम है विशेष नाम क्या है कायम है क्लियर है क्या क्लियर है क्या आ जाओ चलो ये क्वेश्चन करो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड बनता है एच बनता है ना आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल ये आप लोगों का क्वेश्चन है

ये काफी कॉइल्ड है कुंडलित है अगर मैं इसको यहां से पकड़ के से सीधा कर दू ना लंबा तो इसकी टोटल जो लंबाई होगी ना छह से साढ़े छह मीटर होगी जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना यहां से भोजन जो इसमें जाएगा ना लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी हाथ में जो जाएगा बड़ी हाथ में जो जाएगा है ना दोस्तों इसकी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई देखोगे ना बड़ी हाथ की के लंबाई केवल डेढ़ मीटर है तो फिर सर इसको बड़ा क्यों बोला जब इसकी लंबाई कम है क्योंकि दोस्तों इसकी चौड़ाई ज्यादा इसकी चौड़ाई ज्यादा है जबकि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसकी चौड़ाई काफी कम है उसकी चौड़ाई काफी कम है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई ज्यादा है चौड़ाई ज्यादा है क्लियर क्लियर है 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 क्या है क्या ठीक स्मॉल इंटेस्टाइन ना ना इसका जो डायमीटर ये चौड़ाई है। कितनी है एक इंच ही है जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना इसका तीन इंच के आसपास है समझ में आ गई बात को आ जाओ चलो अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों ये छोटी आते है ना इसके तीन पार्ट है एक तो सबसे टॉप वाला जो आपके स्टमक से कनेक्ट हो रहा है इसके बाद में बीच वाला फिर उसके बाद में जो लोअर वाला पार्ट जो आपके अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा तो इन तीनों पार्ट के क्या नाम है दोस्तों सबसे ऊपर वाले का पार्ट है ऊपर वाले का नाम है ड्यूडिनम तो आप लोगों से बोला जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट कौन से हैं पहले वाला डिडोनम दूसरा वाला जीजूनम और फिर जो आखिरी वाला पार्ट है वो कौन सा है इलियम है दोस्तों ये जो इलियम होता है यही किससे कनेक्ट होती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी से कनेक्ट होती है आपसे पूछा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट से कनेक्ट है आप लोग बोलोगे ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट आपके लार्ज से कनेक्ट है आप लोग बोलोगे इलियम क्लियर है क्या सर दो के ग्रुप डी के पेपर भी सेंड करो ना चाइल्ड जी मैनेट मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर पर डाल रखा है वहां से आप लोग ले सकते हैं बाकी मैं आप लोगों को हर चैप्टर में करवा रहा हूं टेंशन मर लो मजा आ गया क्या दोस्तों सीरियस हो मंडे टू फ्राइडे डेली सुबह दस बजे जरूर जाना मजा आ जाएगा आपको ठीक है और सर ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है बताया तो सर ये पच्चीस सेंटीमीटर मैंने भूल गए कितनी तो जल्दी आ जाओ अब सर स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा क्या दोस्तों बहुत कुछ करेगा ये आइए पहले मैं आपको बात बताता हूं उं, उं, उं। कुछ बताऊं क्या यहीं पर बताऊं या रुको चलो यहां पर आप स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक बार वापिस आएंगे एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ कर रहा है सर क्या कर रहा है समझो दोस्तों यहां पर आपका क्या है लीवर है यकृत है मैंने आपको बोला था लीवर से क्या निकलता है बैल जूस निकलता है पितरस निकलता है जो पाइप के माध्यम से कहां पर आता है छोटी आत में आता है ठीक है सिमिलरली दोस्तों आपके स्टमक के जस्ट थोड़ा नीचे और पीछे की साइड एक अंग होता है जिसे आप लोग बोलते हैं पैनक्रियास इसमें भी एक जूस बनता है जिसको बोलते हैं पेनक्रिटिक जूस अग्नि रस वो भी एक नली के माध्यम से पाइप के माध्यम से कहां पर आएगा छोटी हाथ में आएगा तो पहले छोटी हाथ का मैंने बेसिक आपको बता दिया अभी वापस हम लोग चलते हैं लीवर पे लीवर क्या करता है इससे जो बाइल जूस निकल रहा है पितरस निकल रहा है वो क्या कर रहा है बेसिकली वो पितरस आपके कहां पर आ रहा है छोटी हाथ में आ रहा है तो जब भोजन आपके स्टमक से छोटी हाथ में आएगा तो इस फूड पे एक साइड से क्या आएगा एक साइड से क्या आ रहा है बाइल जूस आ रहा है पितरस आ रहा है और एक साइड से क्या आ रहा है पेनक्रेटिक जूस आ रहा है अग्नाशय रस आ रहा है तो ये दोनों कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं इस भोजन का क्या करने वाले हैं वो देखते हैं ना तो सबसे पहले थोड़ा सा लीवर पे नजर डालते हैं देखो दोस्तों ये ये लीवर लीवर है ना ये लीवर भी जिन कोशिकाओं से, से मिलकर बना हुआ है तो इसको हेपेटिक बोल दो है ना हेपेटिक सेल है पहली बात तो ये ध्यान रखो दोस्तों आपको पता है जैसे मान लो छिपकली की पूछ अगर कट जाती है तो उसकी पूछ वापिस हो जाती ना रीजनरेट हो जाती ना सिमिलरली दोस्तों हमारा जो ऑर्गन है ना लीवर इसमें भी बहुत अधिक क्षमता है रीजनरेशन की मतलब अगर आप ये पार्ट काट दो ना तो लीवर वापस पूरा का पूरा बन जाएगा तो दोस्तों इसमें कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की अगर आप लोगों से बोला जाए हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा होती है तो आप लोग बोलोगे लीवर ठीक है दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है आप क्या बताओगे स्किन क्योंकि तो यार स्किन तो यहां पर भी है यहां पर भी यहां पर भी मतलब पूरा पूर काउंट करोगे सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा हो गया स्किन दोस्तों तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है आप लोगों का लीवर है लीवर है तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है देखो स्किन तो आपका एक्सटर्नल ऑर्गन है लीवर आपको बाहर से तो देखने लगा लीवर आपका इंटरनल ऑर्गन है तो अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है आप लोग बोलोगे लीवर अगर आप लोगों से पूछा जाए हैवीएस्ट सबसे भारी ऑर्गन कौन सा है दोस्तों स्किन सबसे बड़ा है एरिया वाइज देखोगे लेकिन वजन के पूरी स्किन को एक तरफ रख दो लीवर को एक तरफ रख दो लीवर आपका बड़ा होगा लीवर आपका है है सबसे भारी लगभग डेढ़ किलो का होता है ठीक है आ जाओ अब क्या करेगा लीवर बात करते हैं देखो मेरी बात समझो हम लोग लीवर की स्टडी करने वाले हैं तो दोस्तों लीवर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हेपेटोलॉजी ठीक है बहुत बढ़िया अब मैंने आपको बताया लीवर जो होता है आप लोगों का सबसे भारी है एक दशमलव पांच से एक दशमलव सात किलोग्राम इसका वो होता है मैंने बोला सबसे भारी सॉरी सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है लीवर है अगर सबसे बड़ा अंग बोले तो आप लोग बोलोगे स्किन चमड़ी है ना लेकिन आंतरिक बोले तो आप लोग क्या बोलोगे लीवर बोलोगे यह बात समझ में आ गई क्या ठीक है दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर किसी ग्लैंड से जूस निकल रहा है रस निकल रहा है तो ऐसी ग्लैंड को आप लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं एग्जोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं बाह्य शावी ग्रंथि बोलते हैं और अगर किसी ग्लैंड से हॉर्मोन्स निकल रहे हैं तो उसको आप लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंत शावी ग्रंथि अगर किसी से हॉर्मोन्स निकलते हैं बात सही है क्या बात सही है क्या तो लीवर से बाइल जूस निकल रहा है पितरस निकल रहा है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और दोस्तों ये सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है तो एक्सोक्राइन ये लीवर है ना वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है बस करो सर 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 बस करो आप स्टार्ट हो गया ना अनुराग जी है ना आपको पेड क्लास में ब्लॉक किया था ना यहाँ तो करना ही पड़ेगा यार अब बताओ फिर आप बोलते हो सर मुझे ब्लॉक क्यों करते हो तो आप क्या चाहते हो अगर आप पढ़ाई नहीं करो तो मैं किसी को भी नहीं करवाऊँ है मैंने तो लिखा है वन शॉट वीडियो मैं तो पूरा एक वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा ठीक है अनुराग जी फिर आप बोलते ये पेड क्लास में आए थे ये खूब वो मजे करते थे क्लास में उड़ा दिया मैंने क्या वह सेवन डबल नाइन रुपये दिए है तो पढ़ाई नहीं करोगे क्या या क्लास में आके डिस्टर्ब करोगे क्या भाई आपके पास में हो सकता है बहुत पैसा हो लेकिन यहाँ पर सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक मिडिल क्लास है जिनको बस टारगेट है, निकालना है सर क्योंकि एक उम्र हो गई और सर अब इसके अलावा कुछ वो नहीं है तो एटलीस्ट यार आप उनकी तो रेस्पेक्ट करो उनके डेडिकेशन की तो रेस्पेक्ट करो आके बस आ जाओ ठीक है? है आ जाओ ठीक है अब दोस्तों सर लीवर का बेसिकली काम क्या है देखो लीवर होता है ना आपके यूरिया का निर्माण करता है दोस्तों इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि इसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना तब हम लोग पढ़ेंगे यूरिया क्या है अभी कुछ मत करो ठीक है सर इसका ये काम क्या है अभी इसको कुछ भी मत करो ये हमारे इससे संबंधित नहीं है डाइजेशन से मैंने बस एक्स्ट्रा कर दिया अभी आप लोग बात रखो डाइजेशन में क्या हेल्प कर रहा है दोस्तों ये जो लीवर है ना वो एक जूस बना रहा है जिसे आप लोग बोलते हैं पितरस तो उसका मेन काम क्या है सर पितरस का निर्माण करना ठीक है दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलू ये जो पित रस बना जूस रस बना जूस इसका इसका रंग रंग क्या क्या होता है है आप आप लोग बोलोगे सर येलोइश येलोइश ग्रीन इसका रंग क्या है? ग्रीन पीला हरा आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रंग मिलता है ऐसे पदार्थ को बोलते हैं आप लोग पिगमेंट और हिंदी में आप लोग क्या बोलेंगे इसको वर्णक जैसे मैं आपको बोलूं टमाटर का लाल रंग कौन से पिगमेंट की वजह से होता है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है कौन सा पिगमेंट पाया जाता है आप लोग बोलोगे लाइकोबिन सर आप जो पढ़ा रहे हो उसके नोट्स बनाए या फिर आपकी बुक से पढ़े विजन यूपीएससी जी अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है इससे कुछ बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता आप लोगों का है ना देखो आप नोट्स वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है यार है ना सर मलका रंग पीला क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा टेंशन मत लो देखो तो आप लोगों का येल्लोश ग्रीन कलर का अगर ये कलर है तो जरूर इसमें कोई ना कोई पिगमेंट होंगे वर्णक होंगे जिसकी वजह से ये रंग मिल रहा है तो दोस्तों ध्यान रखोगे इस बाइल जूस में दो पिगमेंट होते हैं एक तो होता है बिली रूबीन बिली रूबीन इसकी वजह से जो कलर मिलता है बाइल जूस को पितरस को कौन सा मिलता है येल्लो मिलता है एक होता है आप लोगों का बिली वर्ड शॉर्ट में मैंने बीवी लिख दी पूरा नाम लिख दूंगा टेंशन मतलब इनकी वजह से आपको जो रंग मिलेगा वो ग्रीन मिलेगा हरा मिलेगा तो हुआ क्या आपका भोजन यहां पर है क्या भोजन पे बाइल जूस आएगा क्या पितरस आएगा क्या पितरस का रंग क्या है येल्लोइ ग्रीन पीला हरा मैक्सिमम कैसा होता है येलो सा होता है तो तो ये जब आपके फूड में मिलेगा यार ये येलो कलर का तो आपका अल्टीमेटली जो आपका भोजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा जो वेस्ट बचेगा जो मल होगा वो येलो कलर का ही तो होगा आप लोगों हो का ठीक है चले आगे चलिए आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं सर लीवर का और कुम और कुछ भी काम है क्या बिल्कुल दोस्तों इसको हम लोग स्टोर रूम भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं मेरी बात को ध्यान से समझो क्योंकि तो इसमें हमारा कौन कौन सा विटामिन विटामिन के विटामिन ई e, विटामिन डी विटामिन ए e, अगर आप लोग ज्यादा मात्रा में खाओगे ना तो आप लोग ये स्टोर कर लेता है यहां पर आप लोग के स्टोर हो जाएंगे क्लियर है क्या ठीक है ठीक है दोस्तों आपको मैं बता दूं जो फैट वगैरह अगर आप लोग ज्यादा खाओगे तो फैट भी आपका जो स्टोर होता है वो लीवर में स्टोर हो जाता है इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपका लीवर फैटी लीवर हो गया फैटी लीवर का मतलब क्या है बहुत मोटा हो गया बहुत ज्यादा फैट जमा हो गया तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा फैट खाएगा तो उसके लीवर में जमा हो जाएगा अब दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है जैसे हमारी बॉडी में चाय पीलू की इजाजत हो तो यार पी लें दो यार इतनी लंबी क्लास चल रही है मुझे आदत नहीं है यार गला खराब हो रहा है यार वैसे तो करते हो यार सर मेरा तो एक ही बैड कमेंट करता हूं आप मेरी पूरी डिजिटल बेज्जती करवा देते हो तो आप तुम कमेंट ही एक ऐसा करते हो आप प्लीज बंद, प्लीज बंद प्लीज बंद प्लीज बंद क्लियर है क्या समझ में आ गई बात को देखो दोस्तों एक्चुअली में हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के टिश्यू भी पाए जाते हैं सर टिश्यू किसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल कोशिकाओं के समूह को हम लोग टिश्यू बोलते हैं उत्तक बोलते हैं तो दोस्तों हमारी बॉडी में बेसिकली चार प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं हम लोग जब उत्तक चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम लोग करेंगे ये फिर भी आप लोग ध्यान रखो एक टिश्यू का होता है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू और दोस्तों ये टिश्यू क्या करता है फैट को स्टोर कर लेता है जिसमें फैट स्टोर हो जाता है ये वाला टिश्यू कहां पर पाया जाता है आपकी स्किन में पाया जाता है त्वचा में पाया जाता है लीवर में पाया जाता है तो बेसिकली लीवर में अगर ये टिश्यू है तो ये फैट को स्टोर कर लेगा कुल मिला आप लोग बोल देंगे लीवर में फैट स्टोर हो सकता है तो आप लोग ज्यादा मत खाया करो फैट वाली चीजें क्लियर है क्या विटामिन के विटामिन ए e, विटामिन डी विटामिन ए e, क्या ये फैट सोल्यूबल है क्या वसा में घुलनशील है क्या तो अगर आप लोग देखो इस यानी लीवर में जब आपका फैट जमा हो जाता है ना तो अगर आप लोग ये विटामिन ज्यादा खाओगे तो ये उस फैट में जाके घुल जाते हैं तो कुल ये वाले विटामिन भी क्या हो आप लोगों के हो जब भी आप लोग कोई भोजन लेते हो उसका मेटाबॉलिज्म होता है मतलब उसके उसके साथ में जो भी क्रियाएं हो रही है ना सबको मिला के आप लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे तो अगर आ, आप कोई है ना दोस्तों ड्रग लेते हो ड्रग का मतलब दवाई की बात हो रही है अगर आप लोग कुछ है ना एल्कोहल वगैरा पीते तो सबका ड्रग हो एल्कोहल हो उन सबका क्या होता है कुछ टॉक्सिक इफेक्ट होता है तो आपका लीवर का काम क्या है उसका मेटाबॉलिज्म करने का मतलब है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना उसके जहरीले पत, प्रभा, ये, प्रभाव को कम करना जैसे आपने सुना होगा अगर दोस्तों कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है ना तो उसका सब जब पोस्टमार्टम होता है ना तो लीवर को चेक किया जाता है वो तो चेक किया जाता है क्योंकि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ने मान लीजिए कोई जहर खा लिया तो लीवर पूरी कोशिश करता है उसके जहरीले प्रभाव को कम करने की लेकिन दोस्तों अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो लीवर कुछ नहीं कर पाएगा लीवर आपका सबसे पहले फेल होगा तो लीवर को चेक किया जाता है यार कि ऐसा कौन सा जहर खाया होगा कि जो लीवर की हालत हो गई क्लियर है क्या तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा एल्कोहल का कोई कंजम्पशन करेगा ना तो एल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के चक्कर में धीरे 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 आपके लीवर बीमार होना लग जाएगा लीवर की इस बीमारी को बोलते हैं सीरोसिस क्लियर है क्या क्लियर है आ गई बात को अरे आपको सब करवा दूंगा मैं टेंशन क्यों ले रहा हूं क्लियर है क्या आप बस पढ़ाई करो टेंशन मतलब सर शराब का पाचन तो अमाशा में होता है ना बिल्कुल पाचन अमाशा में हो रहा है आप लोगों का उसका डाइजेशन हो रहा है लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं क्लियर है क्या ठीक है तो शराब का पाचन तो डाइजेशन भाई डाइजेशन तो कोई भी पदार्थ आप लोग खाओगे उसका डाइजेशन होगा वो आमाशय में होता है लेकिन मैं आपको बताया यार ये जो भी एल्कोल होता है ना इसका कुछ टॉक्सिक इफेक्ट होता है इसमें कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं ये आप लोगों के लीवर में आके जमा हो जाएंगे ठीक है मैं आपको बता दिया विषाक्त तत्व अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है किसी में तो उसको लीवर के द्वारा खत्म किया जाता है इस फिन को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन दोस्तों एक्चुअली में लीवर आपका क्या हुआ है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है तो लीवर में कुछ स्पेशल टाइप की सेल है जो ये काम करती है उन सेल को आप लोग बोलते हैं कूफर सेल उन सेल्स को बोलते हैं कूफर सेल्स या इनको किलर सेल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो किल कर रही है टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म कर रही है है ना और ये जो फिनोमिना है, 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 मतलब है, है बाइल लीवर से, लीवर से जूस निकलेगा पितरस निकलेगा कहां पर आके आएगा छोटी हाथ में आएगा तो बाइल जूस की थोड़ी सी बात करता है कितना बनता है क्या होता है देखो देखो होता क्या है मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं हाँ देखो ये रहा आपका लीवर दोस्तों लीवर में क्या बनता है बाइल जूस बनता है पितरस बनता है ठीक है दोस्तों अगर कोई एक्सेसिव बाइल जूस होता है ना तो वो इस यहां पर स्टोर हो जाता है लीवर के नीचे ये पार्ट होता है जिसको बोलता है गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय अगर आप लोगों से बोला जाए कि बाइल जूस संग्रहित कहां पर होता है स्टोर कहां पर होता है गोल ब्लैडर में निर्माण कहां पर हो रहा है यकृत में हो रहा है ठीक है अब दोस्तों कुछ बाइल जूस तो आप लोगों का कहां से आएगा यहां से आएगा आपके छोटी हाथ में कुछ जो गोल ब्लैडर में स्टोर है वो यहां से आएगा तो है ना तो ये क्या हो गई ये एक कॉमन बाइल डक्ट हो गई कॉमन डक्ट हो गई जहां पर बाइल या पित्त या पित्त रस लिवर से भी आ रहा है और गॉल ब्लैडर से भी आ रहा है अल्टीमेटली जाएंगे कहां पर छोटी आंत में जाएंगे ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों से बोला जाए अगर आप लोगों से बोला जाए कि पित्त रस में कोई एंजाइम होता है क्या आप लोग बोलोगे कोई एंजाइम नहीं होता तो फिर सर मुझे ये बताओ इसमें कोई एंजाइम ही नहीं है तो ये भोजन का डाइजेशन कैसे करवाएगा बाइल जूस में कुछ एंजाइमी नहीं है तो ये भोजन का डाइजेशन कैसे कराएगा अरे मैं आपको बताता हूं कैसे कराएगा यार दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है जो भोजन आपने खाया उसमें क्या फैट भी होता है कि बिल्कुल आप दूध पीते हो दही खाते हो सब में फैट होता है तेल वगैरह पीते हो, खाते हो तो अब ये जो फैट जो भोजन नीचे आ रहा है तो अल्टीमेटली जब ये भोजन आपके छोटी आंत में पहुंचेगा तो इस भोजन में क्या फैट के भी पार्टिकल्स होंगे क्या फैट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे क्या वसा के भी अणु होंगे क्या होंगे क्या बिल्कुल अब दोस्तों क्या होता है जब ये आपके फैट के मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आता रहता है ना तो ये भोजन के साथ में थोड़ा मिक्स हो गया ना इनका थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है ये ये इसको बोलते हैं फैट के ग्लोब्यूल्स मतलब अभी ये समझो देशी भाषा में वसा की बड़ी बड़ी बॉल बन जाती है सर इस हमको क्या करना है सर इसको तोड़ना है छोटे पार्टिकल में लेकिन तोड़े कैसे तो क्या होता है ये जो बाइल जूस आता है ना रस आता है इसमें कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं कुछ लवण पाए जाते हैं ये सॉल्ट पाए जाते हैं लवण पाए जाते हैं लवण इसके चिपक जाएंगे और इसको क्या कर देंगे इसको क्या कर देंगे थोड़ा सा छोटा कर देंगे थोड़ा सा क्या कर देंगे फूड में जो फैट था ना उसको छोटा कर देंगे अब बाकी का काम कौन कर देगा ये पेनक्रिएटिक जूस कर लेगा कैसे करेगा वो बाद में देखेंगे लेकिन बाइल जूस क्या कर रहा है बाइल जूस में कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ना वसा के जो बड़े बड़े जो अणु होते हैं ना उसको छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों इसको आप लोग बोलते हैं वसा का पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट अगर आप लोगों से बोला जाए कि इमल्सिफिकेशन का काम कौन करता है फैट के

गलती से केवल ये लिख दिया मैंने येल्लो ग्रीन अभी मैंने बता दिया येल्लो ग्रीन है येल्लो ग्रीन है येल्लो कलर किस वजह से बिली रूबीन की वजह से और ग्रीन किस वजह से बिली वर्डिन की वजह से ठीक है आ, बेसिकली ये बना किसका होता है बाइल जूस उसमें वाटर भी होता है कुछ सॉल्ट भी होता है पिगमेंट भी है जिसकी वजह से रंग मिल रहा है ना तो ये ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ठीक है ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी एंजेम नहीं पाया जाता कहा आप लोगों से पूछा जाए कि यार बाइल जूस में कौन सा एंजाम पाया जाता है टिकर क्या हो आप बोलो यार बाइल जूस अगर डाइजेशन कर रहा है तो एंजेम तो हंड्रेड परसेंट होगा ही होगा क्लियर है क्या चले आगे तो इसने लीवर ने क्या किया आपको समझ में आ गई क्या हाँ सर लीवर ने क्या किया मुझे समझ में आ गया अब अगर आप ध्यान से देखोगे जो पेनक्रियास है ना इससे एक जूस बनता है जिसको बोलता है पेनक्रेटिक जूस यानी अग्नाशय रस वो आपका कहां पर आता है ये छोटी आत में आता है

जनरल साइंस का फाउंडेशन बैठ दो हजार चौबीस शुरू हो चुका है केमिस्ट्री से हम लोगों ने शुरू करा था केमिस्ट्री खत्म होने की कगार पे है फिर हम लोग इसमें नया सब्जेक्ट फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं आई या नहीं आई फिर जब ये खत्म हो जाएगा फिर बायोलॉजी करेंगे मतलब आपके एल पी एग्जाम से पहले पहले आपका हो जाएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है अभी इसकी दो ही चैप्टर हुए हैं इसके ठीक है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अभी बीस फरवरी तक आप लोगों का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है एस हंड्रेड कोड लगा लेना इसका प्राइस है सेवन डबल नाइन छह सौ निन्यानवे में, में पड़ जाएगा इसका है एट डबल नाइन इसका सेवन डबल नाइन में पड़ जाएगा ठीक है कंटेंट देख लेना आप खुद बोलोगे सर मैंने कोर्स लेके आपको लूट लिया आपने मुझे नहीं लूटा जब आप बोलते रहते हो ना आ जाओ चलो दोस्तों एक्चुअली में अब इस पेन के बारे में बात करते हैं है ना इस पेन के बारे में बात करते हैं इस पेन के बारे में दोस्तों ये पेन है ना एक्चुअली में ये एक मिक्स ग्लैंड है सर मिक्स मिक्स ग्लैंड 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 का का मतलब क्या का मतलब क्या क्या है 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 ये एक एंडोक्राइन की भांति भी व्यवहार करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी व्यवहार करती है सर एक्सोक्राइन की तरह व्यवहार करने का मतलब क्या है क्या सर इससे कोई जूस निकल रहा है क्या कुछ रस निकल रहा है क्या बिल्कुल इससे एक जूस निकल रहा है जिससे जिसमें कुछ एंजाइम भी होता है बेसिकली ये जूस क्या करेगा भोजन के पाचन में मदद करेगा साथ में दोस्तों ये एंडोक्राइन की भांति भी व्यवहार करती है इसका मतलब सर इससे कुछ हॉर्मोन्स भी निकलते हैं क्या बिल्कुल सर इससे हॉर्मोन्स भी निकलते हैं सर उस वो 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 हॉर्मोन हॉर्मोन क्या क्या करते है? वो दोस्तों क्या करते हैं हैं दोस्तों आज हम लोग नहीं बताऊंगा मैं आपको नहीं बताऊंगा वो क्या करते हैं उनका भोजन के पाचन से कोई लेना देना नहीं है वो काम क्या करते हैं जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे ना अंत्यश्रावी तंत्र तो उसमें हर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे पेट्यूटरी पीनियल आपकी पेनक्रियास है ना तो अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसलिए अभी आप लोग कन्फ्यूज मत होना अभी हमारा उद्देश्य है, लीफ -like होता है। आप लोगों का पत्तीनुमा आकृति का ये होता है ठीक है दोस्तों हमारे ये पेनक्रियास नाम का ऑर्गन होता है ये डिस्कवरी किसने करी दोस्तों डिस्कवरी करी थी आप लोगों की लेंगर ने ठीक है चलिए आ जाओ मैंने आप लोगों को यह बताया कि पेनक्रिया से हॉर्मोन्स भी निकलते हैं बस नाम आप लोग ध्यान रख लो दो हार्मोन एक इंसुलिन हार्मोन और एक ग्लूकागन हार्मोन है ना काम क्या है हम लोग जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा तो इन दोनों के वैसे काम लिख दे लेकिन अभी आपको ये नहीं समझना है वो तो मैंने जस्ट आपको बता दिया क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ रहे क्लियर है ना चलो आ जाओ तो सर अब ये तो बता दो चलो मत बताओ सर ये तो बताओगे ना सर किससे जो डाइजेस्ट ये जो जूस निकल रहा है पेनक्रिएटिव जूस उसमें एंजाइम कौन से पाए जा रहे हैं सर ये तो बताओगे ना ये तो भोजन के पाचन में मदद करेंगे ना बिल्कुल करेंगे यार करेंगे ना बिल्कुल करेंगे क्लियर है क्या दोस्तों आपके दांत तब खराब होते हैं जब आपके माउथ का पीएच पांच दशमलव पांच से कम होता है ठीक है खुशी जी आ जाओ तो सर इसमें एंजाइम कौन कौन से होते हैं दोस्तों मुझे एक चीज बताओ अभी आपको क्या क्या मिल गया फूड में क्या क्या मिल गया बताओ जल्दी से सर हमार, हमारा जो भोजन में स्टार्च था ना वो माल्टोज में बदल चुका था बदल चुका था ना क्या पूरा स्टार्च माल्टोज में बदला था क्या नहीं सर सत्तर परसेंट ही था यानी आपने जो भोजन लिया है ना उसमें स्टार्च अभी भी है साथ में मुझे बताओ दोस्तों आपके भोजन में जो प्रोटीन था वो किस में बदल गया था पेप्टोन में बदल गया था यानी यहां पर जब छोटी हाथ में जब वो भोजन आएगा उसमें क्या है पेप्टोन है है बोलो है या नहीं है अरे बोलो है या नहीं है साथ में दोस्तों आपको पता आपके भोजन में जो फैट है वो ऐसा की ऐसा रखा है बस उसके साइज छोटी हो गई बाइल सॉल्ट ने आपकी हेल्प कर दी लेकिन सर अभी ये तीन चीजें पाई जा रही है आपके भोजन में तो ये अब देखते हैं सर आपका जो पेनक्रेटिक जूस होता है ना उसमें तीन एंजाइम होते हैं ठीक है क्या

दोस्तों आपका लाइपेज क्या करेगा सर ये लिपिड का डाइजेशन करेगा लिपिड किसको बोलते हैं फैट का ही दूसरा नाम है लिपिड तो सर ये फैट का डाइजेशन करेगा क्लियर है क्या और दोस्तों जब फैट का डाइजेशन होता है तो जैसे प्रोटीन के डाइजेशन से अमीनो एसिड मिलते हैं वैसे फैट का जब डाइजेशन होता है इससे आपको क्या मिलता, फैटी मिलता है फैटी एसिड मिलता है ठीक है दोस्तों ट्रिप्सिन क्या करेगा आपको पता है आपके भोजन में जो प्रोटीन था वो टूट गया था पेप्टाइड में या पेप्टोन में ये वाली घटना कहां पर हुई थी स्टमक में हुई थी आपके आमाशय में हुआ था अब आपके यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पेनक्रेटिक जूस आया उसमें जो एंजाइम था तो उसने क्या करा पैप्टोड को अमीनो एसिड में टूट तोड़ देगा तो कुल मिला प्रोटीन का डाइजेशन आपका हो गया दोस्तों ये जो पेनक्रियास है ना इससे निकलने वाला जूस स्टार्च जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है उसका भी डाइजेशन कर रहा है फैट का भी कर रहा है प्रोटीन का भी कर रहा है तो सर ये जो जूस है इसको एक विशेष नाम दे दे क्या इसको आप लोग बोलोगे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस यानी पूर्ण पाचक रस अरे दे सकते हैं क्या अरे दे सकते हैं क्या अरे दे सकते हैं क्या सर आरएसी एंड हीट इंजन का ट्रेड कोर्स आप लॉन्च करोगे क्या बताओ सर 19 फरवरी तक भी फॉर्म नहीं भरा हूं अभी मैं आज शाम को लगभग से वीडियो बना लूंगा टेंशन मत लो ट्रेड कैसे चुने मेरे पास अभी फिलहाल तीन ट्रेड के कोर्सेज है ठीक है चले आगे गए आगे बात समझ में दोस्तों मुझे ये बताओ पैनक्रियास से एंजाइम्स भी निकल रहे हैं हॉर्मोन्स भी निकल रहे हैं यानी पैनक्रियास जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है अलग-अलग टाइप की सेल है क्या किसी से हॉर्मोन निकल रहा होगा किसी से क्या निकल रहा होगा किसी से क्या बिल्कुल तो पेनक्रिया जो होता है ना उसमें टोटल चार प्रकार की हॉर्मोन्स निकलते हैं तो जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग इस पेनक्रिया में डिटेल में और उस वाली सेल से आप लोगों का क्या निकलेगा वो जूस वगैरह निकलेगा ठीक है आ जाओ तो ये नहीं पढ़ना हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना है आपको बेसिकली चीज चलो तो वापिस आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन पे अरे यार डायग्राम नया बना लू क्या डायग्राम नया बना लू क्या ये रहा फूड को सबसे पहले रखा था आप लोगों ने माउथ में माउथ से फूड पाइप के माध्यम से आया इस तमक में फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी हाथ में फिर कहां पर गया फिर सर बड़ी हाथ में गया ये बात क्लियर है क्या बात क्लियर है क्या दोस्तों अभी आपका भोजन कहां पर आ गया सर भोजन है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में आपको क्या क्या मिल गया बताओ सर प्रोटीन का तो पूरा काम हो गया प्रोटीन से तो अमीनो एसिड मिल गए प्रोटीन का तो डाइजेशन हो गया सर जो फैट हमने खाया था सर उसका भी डाइजेशन हो गया सर जो जो स्टार्च खाया था ना स्टार्च सर उससे अभी केवल क्या मिला है माल्टोज ही मिला है अभी सर माल्टोज का डाइजेशन करना बाकी है दोस्तों साथ में आप लोग मुझे बताओ दूध पीते हो क्या बिल्कुल दूध दूध में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोज तो सर अगर मान लो मैंने वो दूध पिया तो इस लैक्टोस वाली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां पर होगा सर वो बताओ अभी बताते हैं टेंशन मत लो ऊपर वाले पार्ट में किस किस चीज का डाइजेशन हो सकता है वो मैंने आपको बताया क्लियर है क्या आ जाओ दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा एक चीज क्लियर कर लो पहले अभी आपको थोड़ी देर में हो भी जाएगी भोजन का कंप्लीट डाइजेशन अभी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी हाथ में होने वाला है बेफिक्र रहो कैसे होगा मैं भी आपको बता दूंगा और मैंने आपको बता भी था कि जब ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो इससे कहां पर चला जाएगा? ब्लड में हो जाएगा।, हो जाएगा ना कैसे होता है कुछ आकृति होती है ऐसे कुछ उभार होते हैं इसको आप लोग क्या बोलते हैं विलाई दोस्तों पूछा गया था एनटीपीसी में कि विलाई जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं आप लोग बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं आपके छोटी हाथ में पाए जाते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या होता है ब्लड फ्लो करता रहता है इनके अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है तो जो भी आपको भोजन मिला ना पोषक तत्व वो आपका इसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाता है तो ब्लड में चला गया ना अल्टीमेटली तो अगर आप लोगों का बोला जाए कि फूड का जो एब्जॉपन होता है एबजॉपन वो कहां से होता है आप लोग बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी हाथ से लेकिन ध्यान रखिएगा जो भोजन में आपका पानी था ना वो यहां पर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो भोजन के पानी एब्जॉर्ब हो गया तो भोजन आपका सूखा हो जाएगा फिर आगे मूव नहीं कर पाएगा ना तो हम चाहते हैं भोजन में जो पानी वो यहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो बाकी सब हो जाए यहां पर नहीं हो तो भोजन में जो पानी होता है ना वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा ये चीज आप लोग ध्यान रखो ठीक है तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे आपका जो ये इसमें उंगली आकृति जो होती है उसको आप लोग बोलते हैं विलाई ठीक है आ जाओ अब प्यारे दोस्तों ये जो आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन है ना इसमें एक जूस बनता है जिसे आप लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस क्या बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस क्या बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस इस इंटेस्टाइनल जूस में तीन एंजाइम पाए जाते हैं एक होता है आपका माल्टेज एक होता है सुक्रेज एक होता है लेक्टेज. तो माल्टेज क्या करेगा माल्टोज का डाइजेशन करा देगा माल्टोज का डाइजेशन करा देगा क्लियर है सुक्रेज क्या होता है आपके अगर भोजन में सुक्रोज है सुक्रोज क्या है सर ये कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मतलब सुक्रोज का डाइजेशन करा देगा लेक्टेज होगा ना वो लेक्टोज का डाइजेशन करा देगा लेक्टोज के डाइजेशन से मिलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोस्तों मैं आपको बताऊं जो कार्बोहाइड्रेट आप लोग खाते हो ना

क्योंकि जो मैं नया कोर्स जो मैं लेके आया आऊँ ना उसकी वीडियो भी मैं पुराने में डाल देता हूँ तो आप लोगों को खर्च करने की जरूरत नहीं है पैसे ठीक है एक बार आपने लो और मैं तो बोल रहा हूं दोस्तों अभी जो जनरल साइंस का बैच चल रहा है ना एक बार आप ज्वाइन कर लो एक बार पढ़ लो कभी जीवन में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है चाहे आप एनटीपीसी दे लो ग्रुप डी दे लो कोई स्टेट एग्जाम दे लो कभी भी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं मैं क्लियर है क्या चले आगे चले आ जाओ आ जाओ तो अब मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या करता है स्मॉल इंटेस्टन के तीन पार्ट है अब दोस्तों आपके फूड का डाइजेशन हो गया प्रोटीन से आपको अमीनो एसिड मिल गए बहुत सारी चीजें मिल गई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू शुगर भी बोलते हैं तो बेसिकली आपका जो ये वाला पार्ट होता है ना जीजुनम डिम के बाद में जीजुनम इसी से आप लोगों के क्या होता है क्या क्या एब्जॉर्ब होता है शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड यानी प्रोटीन फैटी एसिड यानी फैट जो एब्जॉर्ब होते हैं वो आपके यहीं से हो जाते हैं और मैंने आपको बताया भी था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे उंगली नुमा आकृति होती है जिसे बोलते हैं तो कहां से से होते होते हैं हैं वो के माध्यम बॉडी में होते है। ठीक है आ आ जाओ जाओ चले चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बड़ी आत के बारे में बड़ी यात्र कौन सी है सर ये रही लार्ज इंटेस्टाइन सर ये रही बड़ी सर ये रही लार्ज इंटेस्टाइन सर ये रही बड़ी याद ठीक है अब भोजन आपका कहां पर जाएगा इस बड़ी आत में जाएगा तो बड़ी आंत के बारे में मैंने आपको एक चीज तो पहले ही बता दी कि इसकी लंबाई जो होगी ना वो कम होगी उसकी ज्यादा तीन छह मीटर के आसपास थी इसकी केवल एक से डेढ़ मीटर है लेकिन इसको बड़ी क्यों बोल रहे हैं इसका डाई मीटर इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है कितनी तीन इंच है उसकी कितनी थी एक इंच थी क्लियर है क्या आ जाओ दोस्तों आपको मैं बता दूं लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं आप लोगों के देखो मैं फोटो से पहचानोगे आप देखो सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है ये बात आपको पता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये 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 जो सबसे ये वाला ये वाला पार्ट पार्ट होता है ना इसे आप लोग बोलोगे क्या सीकम तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट से कनेक्ट होती है सीकम से सी होती है फिर ये ये ये, ये। इस पार्ट को आप लोग बोलते हैं है ना बेसिकली इसको बोल देते हैं असेंडिंग इसको बोलते हैं आप लोग क्या ट्रांसवर्स कोलोन इसको डिसेंडिंग अलग अलग नाम याद नहीं रखना आप लोग तो पूरा का पूरा है, कोलोन है पूरा का पूरा ये कोलोन है ठीक है और जो सबसे आखिरी पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट है उसे आप लोग बोलोगे रेक्टम यानी मलाशय दोस्तों आपका जो मल स्टोर होता है ना वो यहीं पर होता है जब इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी ना तो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में बिल्कुल एक छेद है है ना तो इसके माध्यम से आप लोगों का मल बाहर आ जाएगा ओके आ जाओ ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी आ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के इस वाले पार्ट से कनेक्ट है इस पार्ट इसका नाम है सीकम दोस्तों सीकम एक ब्लाइंड आकृति का है ठीक है, है।, है अरे निकल रहा है ना तो ये, ये क्या है इसका नाम है अपेंडिक्स अगर आपने सुना हो कोई बोलता है मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है दोस्तों अगर किसी का अपेंडिक्स का साइज बढ़ जाता है ना तो काफी पेन होता है फिर उसको काटना पड़ता है तो दोस्तों अगर काट दो तो क्या वो जिंदा नहीं रह पाता क्या बिल्कुल रह पाता है ना अरे रह पाता है नहीं रह पाता बिल्कुल रह पाता है यानी अगर ये नहीं भी हो तो हमारी बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसे आप लोग क्या बोलोगे वेस्टिजियल ऑर्गन बोलोगे वेस्टिजियल ऑर्गन तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने आपको बताया थर्ड मोलर एक मैंने आपको क्या बताया अपेंडिक्स क्लियर है क्या क्लियर है बात को ठीक है तो सर ये अपेंडिक्स का कोई काम नहीं किया हमारी बॉडी में नहीं दोस्तों जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें काम होता है डाइजेशन का काम होता है जैसे घास वगैरह खाते हैं ना वो तो घास में क्या होता है सेल्यूनोज होता है तो सेल्यूनोज को डाइजेस्ट करने के लिए वहां पर क्या होता है उनका अपेंडिक्स का कुछ रोल होता है सर क्या है एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है जो कि घास गा, फूस इनमें पाया जाता है हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है इसकी डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए बहुत ज्यादा होनी चाहिए तो जितने भी शाकाहारी है ना जैसे गाय हो गया है ना

कि जो भी आप लोग भोजन लोगे नीचे आते आते उसका डाइजेशन हो जाएगा कुछ पार्ट छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा कुछ पार्ट बड़ी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 95 अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब नीचे आया ना सब कुछ डाइजेस्ट हो गया तो अगर आप लोगों से पूछे कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है आप लोग बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी हाथ में होता है लगभग जो भी आप खा रहे हो उसका पिचानवे परसेंट जो भी आप लोग खा रहे हो डाइजेशन तो पूरा यहां पर आ गया अब जो भी आपको मिला ना उसका पिचानवे परसेंट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा बाकी का पांच परसेंट जो आपका भोजन है चाहे उसमें पानी हो या कुछ और चीज हो वो आपका लार्ज इंटरेस्ट के द्वारा होता है तो सर छोटी हाथ के द्वारा क्या क्या एबजॉर्ब होता है कार्बोहाइड्रेट भी छोटी हाथ के द्वारा होगा प्रोटीन भी फैट भी जितने भी मिनरल्स हैं इन तीन को छोड़ के सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को छोड़ के जितने भी विटामिन है के को छोड़ के सारे छोटी हाथ से होंगे बड़ी याद से क्या होगा पानी जो होगा बड़ी हाथ से एब्जॉर्ब होगा ये तीन मिनरल बड़ी याद से एब्जॉर्ब होंगे दोस्तों जो मेडिसिन वगैरह होती है ना वो आपकी बड़ी याद से एबजॉर्ब होती है आप चाय पीते हो उसमें कैफिन होता है निकोटीन तंबाकू में ये सब आपके बड़ी याद के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं ठीक है विटामिन के बड़ी आपके द्वारा एब्जॉर्ब होगा और जो फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट है ना यानी सड़ा हुआ जैसे डोसा कैसे बनाया जाता है दो दिन पहले या एक दिन पहले घोल तैयार किया जाता है जलेबी का घोल एक दिन पहले तैयार किया जाता है तो ये फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट है फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट भी आप लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन से ही कनेक्ट होते हैं क्लियर है क्या क्लियर है क्या आगे बात समझ में चलो दोस्तों नेक्स्ट बात बात करते हैं इस रेक्टम की मलाशय की दोस्तों जब तक मल आपका बाहर नहीं निकलता ना तब तक वो यहीं पर संग्रहित होता है और जब इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती ना तो इसका जो ये लास्ट पार्ट है ना आप लोगों का जिसे एन बोलेंगे गुदा बोलेंगे यहां से फिर आप लोगों का मल बाहर निकलेगा क्लियर ये आपका रेक्टम है ये इसके नीचे एक ओपनिंग है जिसे बोलेंगे एनएस जब इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी यहां से आपका मल बाहर निकलेगा क्लियर है क्या तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया अभी क्वेश्चन भी करेंगे टेंशन मतलब यार चले अब कुछ डिजीज हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या जैसे जॉन्डिस पीलिया दोस्तों पीलिया में क्या होता है आपका जो लीवर होता है ना वो बहुत ज्यादा बाइल जूस बनाता है या आप बोलो बाइल जूस में जो पिगमेंट होता है ना बिली रूबीन उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से पूरी बॉडी आप लोगों की क्या पड़ जाती है पीली पड़ जाती है क्लियर है क्या इसका कारण क्या बिली रूबिन का बहुत ज्यादा बनना आपका लीवर मान लो ढंग से काम नहीं कर रहा बहुत ज्यादा बिली रूबीन बना दिया तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है दोस्तों एक डिजीज है आप लोगों की इरिटेबल बॉल सिंड्रोम दोस्तों इसमें बेसिकली क्या होता है आप लोगों के पेट में काफी पेन होता है कब्जी आप लोगों की हो जाती है कब्जी कब होती है दोस्तों जब आप लोगों का फूड आगे जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है जब वो आगे ट्रेवल नहीं करता एक ही जगह अटक के रह जाता है ना तो ये कब्जी हो जाती है तो ये आप लोगों की डिजीज है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम इसमें क्या होता है यहाँ की ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना कहीं पर कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से फूड आगे नहीं जा पाएगा अटक जाएगा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा है ना या फिर मान लो कई बार है ना बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन हो जाता है तो जिससे फूड जल्दी जल्दी जाता है मतलब लूज मोशन हो जाता है तो एक ये डिजीज है ठीक है एक डिजीज है आप लोगों की डायरिया क्या है अगर दोस्तों जल्दी 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 तो डायरिया लूज मोशन क्लियर है क्या इसमें जो मल होता है ना उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों का ट्रेवल करता है क्लियर इसका कारण क्या है आप भोजन कर रहे हो लेकिन भोजन जो है ना आप लोगों का वो, भी नहीं हो रहा। वो यहीं अट कर गया तो गया तो आगे जाएगा। बार -बार आप लोगों को मलाएगा। ठीक है? तो ये बीमारी समझ में, तो में, में शामिल होता है कौन कर रहा है वसा के का काम लीवर कर रहा है क्योंकि लीवर से जो बाइल जूस निकल रहा है उसमें कुछ सॉल्ट है वो ये काम कर रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर हो गया था छोटी हाथ में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्लियर है क्या बताओ अरे क्लियर है क्या आहार में जो मौजूद वसा होती है ना वो छोटी हाथ में बड़ी गोलीकाए क्यों बनाते हैं देखो मेरी बात को ध्यान से समझो मैं आपको बताया कि जो आपने भोजन लिया ना उसमें जो फैट होता है ना वो जब स्मॉल इंटेस्टर में आते हैं ना उसकी साइज बड़ी बड़ी हो जाती है क्यों क्योंकि भोजन में मिक्स हो होके तो फिर इसको छोटा करने के लिए इसका इमल्सिफिकेशन करने के लिए इसका पायसीकरण करने का, का काम कौन करेगा लीवर करेगा ठीक है बताओ अः क्योंकि जो फैट होता है ना वो पानी के साथ में अच्छे से नहीं मिलता आपको पता है फैट जो होता है पानी में घुलनशील नहीं होता तो यहाँ का वो घुलनशील तो अलग ही रहता है वो मोटा मोटा हो जाता है आप लोगों का ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर बीस का आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है आमाशय में आपके पेट में जो एंजाइम बनता है उसका नाम क्या है पेप्सिन और ये क्या ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है क्या बिल्कुल चलो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा है जो बड़ी वसा गोलिकाओं को बड़ी बड़ी जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं जो वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको छोटे में कौन कन्वर्ट करता है बाइल में पाने जाने वाले सोल्ट ऑप्शन नंबर ए क्लियर दोस्तों क्या करता है सलाइवा में जो आपका एमाइलेज होता है एमाइलेज नामक जो एंजाइम होता है जिसे आप लोग टैलिन भी बोलते हैं ये बेसिकली क्या करता है सर स्टार्च का डाइजेशन करता है और स्टार्च को किस में बदल देता है माल्टोज में बदल देता है चलो बताओ दोस्तों टूथ डिके कब होता है आइए मैं आपको बताता हूं वैसे में ये बेस में कोई बात नहीं मैं बता देता हूं दोस्तों अगर हमारे माउथ का पीएच पांच दशमलव पांच से कम हो गया तो फिर हमारे टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा सड आपके दांत टूटना स्टार्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी क्लियर निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को शारी में परिवर्तित करता है बताओ देखो यह रहा आपका स्टमक स्टमक से भोजन गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों तो आपको पता हो तो पेनक्रिया से जो पेनक्रिएटिक जूस निकल रहा था वो बेसिक नेचर का था शारीय प्रकृति का था तो अब जो आपका भोजन एसिडिक था ना अब क्या बन जाएगा बेसिक बन जाएगा शारीय बन जाएगा किसके द्वारा पैनक्रिएटिक जूस के द्वारा ऑप्शन नंबर डी क्लियर है क्या पाचन के संदर्भ में गलत को गलत कथन को पहचाने बताओ पहचानो एसिमिलेशन अकर्स बिफोर इंजेशन भोजन लेने से पहले ही वो एब्जॉर्ब हो जाएगा कि नहीं दोस्तों ये गलत कथन है यार मजा आया नहीं आया बताओ मजा आ गया दोस्तों अगर ऐसा ही मजा आप लोग चाहते हो बढ़िया तो वो तब आएगा जब सिलेक्शन लोगे सीधी सी बात है अभी एक चैप्टर में सिलेक्शन नहीं होना है ना तो पहली बात तो दोस्तों को बिल्कुल फ्री क्लास होगी आप लोगों की दोस्तों आप लोगों को अगर जीवन में केवल एक बार पढ़नी है साइंस कभी वापिस पढ़ना नहीं पड़े चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रो जेई की एन की जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच है आप लोगों का मतलब मुझे मैं तो यह मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं आता वहां पर सेवन डबल नाइन का है एस एम हंड्रेड कोड चल रहा है बीस फरवरी तक है आखिरी दिन है फिर बाद में मत करना बोले सर मैं ले नहीं पाया सर मैं एक दिन बढ़ा रहा हूं दो दिन साफ बोल रहा हूं मैं आपको सीरियस बच्चे हो तो आपको पता है एस एम हंड्रेड कोर्ड लगा लीजिएगा आप लोग इसके फीचर सुनो चारों सब्जेक्ट करवा रहा हूं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंट डेली लाइव क्लास होती है मिस कर दोगे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है आपका एनसीआर का हर एक कॉन्सेप्ट कवर है हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं एक साल की वैलिडिटी है जब चैप्टर खत्म होता है तो आपको टेस्ट मिलता है और दोस्तों आपको पीडीएफ कलर्ड पीडीएफ भी मिल रही है साथ में हैंड रिटर्न नोट वाली पीडीएफ भी मिल रही है तो अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाहो तो वहां पर हैंड रिटर्न नोट्स मैंने डाल दिए हैं सीधे आप लोग प्रिंट आउट निकाल के उस पर भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो क्लियर है क्या अरे आई बात समझ में क्लियर तो ज्वाइन कैसे करना है प्ले स्टोर पर जाइए साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे ना तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा पहले नंबर पर क्लिक कर लेना दूसरे नंबर पर बेसिक जिसको बेसिक इंजीनियरिंग का करना है वो वहां से ले सकता दोस्तों आया क्या मजा बाय नाउ कर लीजिएगा पेमेंट कर लीजिएगा क्लियर है क्या तो मंडे सोमवार सुबह दस बजे आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा कैसी लगी क्लास अब कोई अब पूछ लो आपके डाउट जो है मजा आया क्या क्लास में अरे क्लास में मजा आया या नहीं आया आया ना सर आपके डायग्राम के सामने थ्री डी फेल है <laughs> तो बस ये सारी मेहनत बस इसीलिए हो रही है जिससे जो आप है आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो ठीक है मंडे से सोमवार से सुबह दस बजे आपकी लेट्स क्रैक साइंस शुरू हो रही है जहां पर हम लोग शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं मजा आप लोगों को आ जाएगा आपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो जरूर करना इस वीडियो के नीचे थैंक यू सो मच बाय टेक केयर